Hello? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू रंगस गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां पढ़ने वाले हैं मानव के मस्तिष्क के बारे में यानी कि किस प्रकार से हमारा ब्रेन कंप्लीट एक नर्वस सिस्टम यानी तंत्र, तंत्र के साथ कार्य करता है आशा करूंगी अभी तक के जितने भी हमने टॉपिक्स आपके इस इक्कीस दिन मैराथन में किए हैं आप सभी को क्लियर हुए होंगे और यूं ही आप सभी आगे के टॉपिक्स करने के लिए भी एकदम तैयार होंगे भाई सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार राम राम सेशन को कर देना आपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक शेयर जैसे आपसे वादा किया था रोज सुबह ग्यारह बजे सेम टाइम सेम जगह आपका सेशन यहाँ पे रहने वाला है। बस आपने क्या करना है अपनी कलम किताब लेके बैठ जाना है और जितने भी क्लास के नोट्स होंगे उन्हें साथ साथ में बनाते हुए चलना है तो भाई सभी तैयार है एक का मुझे शेयर कर कि आपके लिए अपनी ये जो साइंस कंप्लीट हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपके इक्कीस दिनों के अंदर आने वाले रेलवे के हर एग्जाम में मैम हमें मदद कर ने वाली है तो अगर हम भी तैयार हैं और इस प्रकार से अपने नोट्स भी अगर आप साथ साथ पे बना रहे हैं तो चलिए करते हैं शुरुआत लगातार आपकी ये जो क्लासेस हैं देखो जैसा कि आप सभी को पता भी है कि आप लोग की चल रही है और कंप्लीट 22 मार्च तक ये आपका कोर्स पूरा रहने वाला है मतलब है ना इक्कीस दिनों की जो शुरुआत हुई थी वो 28 फरवरी से और 22 मार्च तक आपके वन शॉट चैप्टर्स जैसा मैंने तुमसे वादा किया था ना कि वन शॉट मतलब एक क्लास देखो चाहे दो घंटे की हो या एक घंटे की हो टाइम मैटर नहीं करता चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए उस बेसिस पे मैंने ये सीरीज आप लोगों की जो शुरू की है भैया हर सवाल के लिए मतलब एक एक क्वेश्चन आप लोगों का इसी सेशन से इस से यहाँ पर रहने वाला है आज तारीख है आप लोगों की पांच मार्च और ह्यूमन ब्रेन हम पढ़ रहे हैं कल तक ह्यूमन हार्ट पढ़ा था एक बार एक थम्सअप का साइन भेज देना कि ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव के हृदय का जितना भी भाग हमने किया उसका एक सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था और एक हृदय पढ़ा था सबको क्लियर हो गया था जल्दी से एक बार बता देंगे और कल फिर हम हॉर्मोन्स के बारे में भी चर्चा करेंगे तो आज का जो मैटर है वो रहेगा ब्रेन से संबंधित और ब्रेन के इस तंत्र को तंत्र का तंत्र यहां पर कहते हैं लेकिन उससे पहले मैम कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में ये देख रहे हो स्क्रीन पे सभी वो नाम है जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना आंसर दिया कल एक सवाल था कि आपका जो हृदय की विद्युत गतिविधियां हैं उसे मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका सही उत्तर ईसीजी था जो कि इन सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एकदम चकाचक आंसर लगाया भाई बहुत बढ़िया ठीक है सत्यनारायण मुकेश दिनेश यहाँ पर सत्यम अखिलेश सीमा सभी इंद्रेश ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना आंसर यहाँ पर दिया था इसीजी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा जो कल का होमवर्क क्वेश्चन था इसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से दिया था चलिए भाई तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम ये वाला पूरा पोर्शन देखो कल तो दिल का मामला सॉल्व किया था आज दिमाग का मामला सॉल्व कर लेते हैं कि मैम ये जो ब्रेन है ना आखिर कैसे प्रोसेस करता है कल तक तो तुम ये कह रहे थे कि हमारा दिल जो है वो टूट जाता है लेकिन आज कहना कि दिमाग जो है ना वो सारे खेल खेलता है ये दिल का तो कोई रोल है ही नहीं दिल तो बस एक वो मोटर की तरह काम करता है ब्लड को पंप कर देता है केवल एक ऐसा मांसपेशी से बना हुआ अंग नजर आता है ये जो आपका मानव का मस्तिष्क है ना इसके साथ आपकी एक मेरु रज्जु जुड़ी होती है यानी कि पीछे आप देख रहे हो एक नस यहां से निकलती है जो रीढ़ की हड्डी में जाती है इन सभी चीजों को हम यहाँ पर आज के सेशन में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और किस प्रकार से हमारी ये भाग जो है वो दिखाई देता है अब देखिए मुद्दा है हमारे ब्रेन का ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सब चीजें कंप्लीट होंगी शहादुर आपकी क्लासेस ऑलरेडी सुबह नौ बजे चल रही हैं एप्लीकेशन पे अशरफ इनको भी हम क्लियर करेंगे फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो स्मेल की वजह से आपको दिखाई देते हैं जो आपके घर में अगर पालक पनीर बन जाए और तुम्हें अचानक से खुशबू की वजह से मुंह में पानी आना शुरू हो जाए उसी को कहते हैं आपका फैक्ट्री इंडिकेटर जो की स्मेल से ये काम करता हुआ नजर आता है क्लियर है सबको चलो तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यही चीज कहूंगी कि लगातार जितने भी भाई बंधु जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं एक काम जरूर कर देना अपने दोस्तों यारों भाइयों बहनों तक सेशन को पहुंचा देना ये सीरीज रेगुलर है और जो नहीं जुड़ पाते हैं उन तक पहुंचाना ये आपका काम है ठीक है शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की मैम ये दिख रहा है ना मुझे ये है पूरा का पूरा ब्रेन मतलब इसको जरा रोक देते हैं भाई तुमने बहुत जो है वो इसको मूवमेंट कर दिया देखो जरा कहते हो ना कि दिल टूट जाता है दिल नहीं टूटता दिल तो मांसपेशी का है लेकिन मैम ये वाला भाग ये पूरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे जिसमें मानव का मस्तिष्क है ये देख पा रहे हो ये वाला भाग जो है ये पूरी कहलाती है आपकी कपाल की हड्डी यानी कि जिसे हम कहते हैं हमारी खोपड़ी या कपाल या क्रेनियम का नाम दिया जाता है जो बाहरी भाग हमारा हड्डियों का ढांचा होता है लेकिन फिर वही बात कि बाहर का भाग तो चलो हड्डियों का है अंदर वाला तो देख रहे हो ना कितना मस्क्युलर दिखाई दे रहा है कि ये तो खुद एक मांसपेशी से बना हुआ भाग है एक्चुअली में ये जो अंदर वाला भाग है ना इसको कहा जाता है आपका ब्रेन इसी को कहा जाता है ब्रेन आप ये नहीं कहोगे कि ये वाला भाग जो है वो ब्रेन है नहीं ये हमारी हड्डी है जैसे हम कपाल की हड्डी कहते हैं ये सिर्फ एक बाहरी भाग है वो कहते हैं ना कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है भाई एक हेलमेट तो वो है लेकिन हमारी बॉडी का प्राकृतिक हेलमेट कौन सा है वो मैडम ये कपाल की हड्डी कही जाती है दरअसल यही है जो हमारे ब्रेन को बचा कर चलती है और देखो बॉडी में जैसे हृदय हमारा आवश्यक है ना ऐसे ही आपका ये ब्रेन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो हृदय काम कर लेगा क्योंकि अल्टीमेटली यही है मुखिया यही है हर प्रकार से पूरी बॉडी का नियंत्रण करने वाला भाग अगर ब्रेन से सूचना आएगी तभी आप कोई कार्य यहां पर कर पाएंगे अन्यथा आपका कोई कार्य जो है वो पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है तो मतलब ब्रेन को हम कहते हैं कि मेजर कंट्रोलिंग ऑर्गन है मुख्य नियंत्रण केंद्र जिसके जैसे कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है ना क्यों भाई कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है ऐसे ही मैम हमारे ब्रेन का सीपीयू ये कहलाता है सारी प्रोसेसिंग सारा कुछ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है किसको देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं दर्द हो रहा है नहीं हो रहा सब कुछ यही नियंत्रित करता है और इस सिस्टम को यानी कि ये जो पूरा ब्रेन आप देख रहे हो इसके साथ साथ जब मैं अपनी मेरू रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की बात करती हूं इन दोनों भागों को मिला करके हम पूरा एक तंत्र बना लेते हैं नर्वस सिस्टम के नाम से यूजली हम ये देखते हैं ना कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा भाग क्या है एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ जरा हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग पर क्या हो जाता है जल्दी से अच्छा जल्दी से बताओ एक बार आप के पूरे बॉडी का छोटा भाग सेल है ना मैम लेकिन सेल मिलकर के क्या बनाता है टिश्यू बनाता है टिश्यू मिलकर के आपका एक ऑर्गन बनाती है यानी कि ब्रेन बन रहा है टिश्यू से मिलकर के मान लीजिए एक अंग बना उसमें ब्रेन आता है लेकिन ब्रेन जब अपने बाकी की नसों के साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कार्य करता है तब काम करता है एक नर्वस सिस्टम का मतलब तब हम उसको एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं तो ये जो पूरा चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं ना ये आपका एक ऑर्गन सिस्टम कहलाता है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम जिसे कहा जाता है तंत्र का तंत्र अब तंत्र का तंत्र भी अकेला नहीं है इसके अंदर भी मैम दो तीन भाग अलग अलग होते हैं तो मैं इसको भी विभाजित कर सकती हूँ इसको भी विभाजित कर सकती हूं, हूं। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो भाई पूरी बॉडी का मेजर भाग तो मैं समझ गई नर्वस सिस्टम है लेकिन मैम इसमें क्या क्या चीजें आती हैं देखिए मान लीजिए ये हमारी पूरी एक बॉडी है इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आपका ब्रेन दिख रहा है मस्तिष्क दिखाई दे रहा है और इसके साथ एक नस निकलती है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जाती हुई दिखाई देती है इस भाग को कहते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र ये देखो इधर ये ब्रेन है और इससे एक नस ये निकल रही है इसे कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो मतलब हमें जो भाग पढ़ना है ना ब्रेन का वो किसके अंदर आता है वो आपके केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंदर आता है पहला कॉन्सेप्ट दूसरी बात कि मैम बॉडी में जितना भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से होता है लेकिन ब्रेन तक सूचना लाने और ले जाने वाला भी तो कोई होगा भाई एक बात बताओ मुझे हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हृदय काम कर रहा था हार्ट का काम था ब्लड को पंप करना लेकिन मैम ब्लड लाने और ले जाने वाली भी कुछ वाहिकाएं पड़ी थी कुछ धमनी पड़ी थी कुछ शरायें पड़ी थी बोलो हाँ की ना कल ही हमने बात की थी ऐसे मैम यहाँ पर भी तो कुछ नसें लगी हुई होंगी यहाँ पर भी तो कुछ नर्व्स होंगी जो काम करती हैं तो ये देख रहे हो पूरी बॉडी में फैली हुई जितनी भी अलग अलग नसें हैं आपकी ये इस बीच वाली मेरूरज्जू से जो निकल रही है ब्रेन से जो भी नसें आपकी निकल रही होंगी वो सारी नसें आती हैं एक दूसरे भाग में जिसका नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम

पहला मोटिव अभी समय है पेपर आपका कम से कम जून जुलाई के महीने में होगा तो एटलीस्ट आप तब तक अपनी थ्योरी को कवर कर लो वरना आपको पूरा कंटेंट देने की जगह मैं भी यहां पर एक क्वेश्चन की सीरीज तुम्हारी शुरू कर देती कि चलो भाई ठीक है आप लोग के लिए 2000 क्वेश्चन सीरीज जो है वो चला देते हैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ जाइएगा बात वो है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलनी बहुत जरूरी है तो थ्योरी जो है जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है ये सीरीज उन सभी के लिए जो आज तक साइंस पढ़े ही नहीं है ठीक है मैं उन सभी स्टूडेंट्स को यहां पर कवर करना चाहती हूँ कि भैया आपने जीरो लेवल पर हो साइंस का एस भी नहीं पता है तुम बस इस सीरीज को कवर कर जाना ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है ठीक है तो थ्योरी जिसने पढ़ रखी है रिवाइज कर लो और जिसने नहीं पड़ी है उनके लिए एक और मौका है अच्छे से अपनी कवर कर लीजिए कहानी क्लियर हो रही है उन तक ये क्लियर हो जाएं और ईमानदारी से कि यहां पर चीजें क्लियर हो रही है तो सेशन को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है वो आप साथ, -साथ में कर देंगे ठीक है हम बात कर रहे हैं किसके बारे में नर्वस सिस्टम के बारे में तंत्र तंत्र के बारे में मैंने कहा बॉडी का सीपीयू ब्रेन है ब्रेन ही तो काम करता है मैम इसी को मैंने क्या कहा मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी कम्युनिकेटिंग सिस्टम मैम सारे नाम भाई बचपन में बच्चों को चीजें याद कराई जाती हैं कि भाई अभी से याद करना सीखो प्रैक्टिस करना सीखो मेमोरी तुम्हारी कितनी शार्प है तुम कितना जल्दी पजल सॉल्व कर सकते हो कितनी चीजें याद कर सकते हो ये सारा नियंत्रण केंद्र दिल में नहीं होता ये दिमाग का काम है ये ब्रेन का काम है बच्चे की याददाश्त कितनी कमजोर है या कितनी अच्छी डेवलप हुई है वो पढ़ाई में कहते हैं ना कि एवरेज स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट हो या फिर आप एक मीडियम नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट दिखाई दे रहे हो या बिल्कुल ही पढ़ने में मन नहीं लगता तो डेवलपमेंट ये सारी चीजों का हमारे ब्रेन से होता है ब्रेन विकसित है मस्तिष्क विकसित है तो आप इन सभी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसका एक सामान्य उदाहरण हम उन जीवों में देख सकते हैं जो आज से कई वर्षों पहले पत्थर घिसकर आग लगाते थे आज क्या है मैम लाइटर ऑन किया और आग लग गई तुरंत आधुनिक टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है क्यों बढ़ी क्योंकि हमारे ब्रेन की जो क्षमता है ना हमारे मस्तिष्क की जो क्रेनियल कैपेसिटी कही जाती है जैसे आपके ब्रेन के कार्य करने की क्षमता को मापने की कही कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी ये पहले जो हम कह रहे हैं कि पत्थर घिसते जिस टाइम पर पिथेकस, पिथेकस, नाम के हमारे पूर्वज हुआ करते थे उस समय पर मात्र साढ़े चौदह सौ क्रेनियल होता है, है, इसकी ब्रेन की पता है, कितनी है? है सोचो इतनी ज्यादा हमारे ब्रेन में क्या हुई है डेवलपमेंट हुई है ये जापान में जाकर देखो जो अभी भी दो में जी रहा है उसका ब्रेन हो चुका है तो बेसिकली यही है, हर हर एक एक है। आजकल लोग पानी में आग लगा देते हैं। ये, ये है, असली इंडिया में यही काम बचा है बस मैम बाकी की ध्यान वाली चीजें तो हमें लगानी ही नहीं है चलिए तो इसे कहा जाता है सेंटर है मेन मुख्य केंद्र है लेकिन मैंने इसे दो भागों में बांट दिया दो भाग कौन से कहा मैंने सेंट्रल पेरिफेरल सिस्टम ये देखो इधर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको अगर मैं बांट दूं तो दो भाग आ जाते हैं आपके यहाँ पर एक केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा भाग आता है आपका पीएनएस पीएनएस वर्ड का मतलब होता है पेरी पेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल मतलब देखो कल भी बताया था पेरिफ्री मतलब होता है बाउंड्री कुछ बाहरी आवरण दिख रहा है तो पेरिफ्री वर्ड से मैं क्या लगा सकती हूं यहां पर परिधि है कहीं परिधी है, तंत्र का तंत्र इसको कहा जाता है ठीक है आपकी जो बाउंड्री बना रहा है वो वाला भाग है अब कौन कौन चीजें आती है यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन को पढ़ते हैं मुखिया तो यही है मस्तिष्क जिसे कहा जाता है और साथ में हम बात करते हैं स्पाइनल की जिसको आप मेरुदंड या मेरू के नाम से भी जानते हैं तो ये दो भाग मैम यहां आ गए इसके बाद वाला भाग जितनी भी नसें दिखेंगी ना जितनी भी हैं वो कहाँ आती हैं वो इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती हैं सारी की सारी नसों के बारे में हम बात करते हैं वो नसें अगर आपके ब्रेन से निकल रही हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं क्रेनियल नसें ठीक है कपाल तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं और अगर वो आपकी स्पाइनल से निकल रही है तो उसको हम नाम देते हैं स्पाइनल नसे, स्पाइनल नसें, नर्व्स यानी कि आपकी मेरु तंत्रिकाएं। बोलो भाई कहानी समझ में आई कि नहीं आई मतलब ये एक बेसिक डिवीजन है जो कि हमें आज के टॉपिक के अंदर पढ़ना है मैम आपकी क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है क्लास बहुत बढ़िया चल रही है रिफ्रेश कर लेना जिसको भी लग रही है चलो अब आते हैं यहां पे ठीक है सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे ब्रेन का यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आखिर मुझे कैसे कैसे काम यहाँ पर ये करता है कैसे कैसे काम यहाँ पर ये कर सकता है देखो एक बात याद रखना अगर तुम बात कर रहे हो ना इधर देखो अगर तुम ये बात कर रहे हो कि मैम ये हम नीट के लिए पढ़ सकते हैं नीट के लिए नर्वस सिस्टम की कम से कम चार क्लास लगती हैं चार से पांच क्लास बल्कि लगती हैं तो भैया ये लेवल वो है जो आपके आने वाले सरकारी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की स्टेट की सी एस एस सी की उनके लिए मददगार है ठीक है नीट वालों के लिए अलग से सेगमेंट जो है वो बनता है चार से पांच क्लास इसी टॉपिक की बन जाती है क्योंकि नीट में बहुत इनडेप पूछा जाता है आप ये मत सोचिए सिर्फ एनसीआर आधारित आएगा एनसीआर टी बेस है माना इस चीज को लेकिन आप बेसिक चीज यहाँ से कवर कर सकते हो बट बेटा एडवांस चीजों के लिए आपको नीट के लिए अलग से पढ़ना बहुत जरूरी देखने को मिल जाएगा

और यही सारे सवाल आपको कवर करने हैं अपने इस सब पर्टिकुलर क्लास से राइट right? जी हां जैसे पूरी बॉडी में सबसे छोटा मैंने एक सेल कहा तो मैं मैसे ही हर एक ऑर्गन सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है ना नर्वस सिस्टम इसका एक छोटा भाग इसका एक बेसिक यूनिट जिसे मैं कहती हूँ वो कहलाती है आपकी नर्व सेल तंत्रिका कोशिका या उसको मैं न्यूरॉन का नाम देती हूँ लगभग हमारे मस्तिष्क में सौ बिलियन न्यूरो जो है वो पाए जाते हैं और यही न्यूरोन्स का एक जाल बना होता है जो ब्रेन के अंदर सभी सूचनाओं को आगे की तरफ पास करने का कार्य करता है तो न्यूरोन से मिलकर ये पूरी तंत्री का या मैं कहूं पूरा तंत्र का तंत्र बना होता है और साथ साथ में यही मुख्य भाग आपके ब्रेन का बनाता है इसमें सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जैसे मैंने कहा कि ये शरीर का नियंत्रण केंद्र है ये मुख्य तौर पे आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के नाम से ब्रेन जो है वो आपका कहा जाता है ब्रेन कह लो सीपी कह लो ये अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है तुमसे सीधा सवाल कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर को पता है चलो अपवाद उठा के पूछ लेता हूँ ठीक है कुछ अटपटा सा नाम पूछ लेता हूँ कि आत्मघाती थैली क्या है सुसाइडल बॉम्ब क्या कहा जाता है तो ऐसे नाम जब भी दिखाई देना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर है ये पूछे जाते हैं तो इनको अलग से हाईलाइट कर लिया करो जब भी नोट्स में लिखते हो ठीक है अब बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले इस ब्रेन की देखिए ब्रेन आपको दिखता कुछ इस प्रकार का है मतलब दिखाई देगा कुछ इस प्रकार का मुख्य भाग है लेकिन मैम इसके अंदर में हमने इस पूरे पार्ट को पढ़ने के लिए कहते हैं ना टुकड़ों में बांट दीजिए तो आसानी से पढ़ पाओगे हमने इसको तीन भागों में बांटा है एक सबसे ऊपर का भाग है जो आगे की तरफ नजर आता है जिसको हम अग्रह मस्तिष्क कहते हैं एक भाग मुझे यहाँ कहीं ये बीचों बीच में नजर आ रहा है जिसको मैं कहूंगी मध्य मस्तिष्क और ये नीचे की तरफ जो मुझे भाग दिख रहे हैं इसे पीछे वाला भाग कहते हैं या हम कह सकते हैं पश्चिम मस्तिष्क ठीक है ये देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में बेटा बहुत डिफरेंस है नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके स्पेसिफिकली किडनी के लिए काम करता है वो नेफ्रॉन से संबंधित है और यूरोलॉजिस्ट भी हम उसी को कहते हैं लेकिन इन सभी के डिफरेंस एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुम्हें ज्यादा डिटेल में बताऊंगी कि यूरिन का प्रोडक्शन कैसे और कब कहाँ कैसे रहता है राइट चलो तो इसे कहा जाता है आप लोगों का ब्रेन के मुख्य तीन भाग अब ये जो ब्रेन है ना इसके एक काम नहीं होता मैम पहले आपने कहा कि सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दूसरा भाग यही ब्रेन हमारा ऐसा होता है जो तो सारा कमांड और कंट्रोल करता हुआ नजर आता है बॉडी में जितनी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं कि मैं अगर आज आपसे बात कर रही हूँ मैं आपसे कुछ कह रही हूँ ना तो आपका ब्रेन ही है जो उस चीज को रिसीव करके सोच रहा है कि अच्छा मैडम ने क्या कहा मात्र पॉइंट वन सेकेंड के लिए वो आवाज तुम्हारे कानों में रहती है लेकिन कान तुरंत उसे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं और ब्रेन सोचता है प्रोसेस करता है कि अच्छा जो मैडम ने कहा है उसको लिख लेते जल्दी से ताकि वो नोट्स हम बना पाए तो कमांड कंट्रोल सब कुछ हमारा ब्रेन यहाँ पर करता है इसके अलावा ये सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को भी संभालता है। मतलब आपके दिल धड़क रहा है या तुम्हें वॉमिटिंग हो रही है या तुम्हारा खाना पच रहा है या तुम सांस ले रहे हो तुम्हारी मर्जी से होता है क्या कि मैं मुझे उल्टी आ रही थी और मैं उल्टी को कंट्रोल कर गया कभी हुआ है संभव नहीं क्योंकि ये गतिविधियां अनैच्छिक है, हैं तुम चाहो कि आज थोड़ी देर के लिए सांस लेना बंद कर देता हूं है ना उसके बाद लंग्स को आराम दे देता हूं उसके बाद फिर चालू कर दूंगा क्या ये संभव है जल्दी बताओ सोते टाइम भी ब्रेन एक्टिव होता है भैया ब्रेन बंद नहीं होता दिल बंद नहीं होता ब्रेन बंद नहीं होता काम करता रहता है सपनों की दुनिया में जाते हो तुम तो ये सारी क्रियाएं आपकी मर्जी से नहीं हो सकती दिल धड़क रहा है तो तुम्हारी मर्जी से नहीं धड़केगा धड़कता रहेगा सांस ले रहे हो तो लेते रहोगे खाना पच रहा है तो तुम चाह करके भी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारे सामने एक ग्लास रखा हुआ है पानी का तुम्हें प्यास लग रही है उसको तुम्हें उठा करके पीना है ये तुम्हारी इच्छा है तो जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं वो सब हमारा ब्रेन यहाँ पर नियंत्रित करता है अच्छा साथ साथ में ना ये तापमान का भी नियंत्रण करता है ये मुख्य अंग है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है कि मतलब बाहर ठंड है तो आप क्या करोगे भाई मान लो आप कहीं बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे जा रहे हो तो आप ऐसे हाथों को रब करना शुरू कर देते हो रब करोगे तो बॉडी में हीट जनरेट होती है ये अपने आप बॉडी का तापमान नियंत्रण की क्रिया होती है कि हम बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग अंदर का तापमान जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं अच्छा मान लीजिए बाहर बहुत गर्मी है आपको धूप में जाना पड़ रहा है कहीं तो आपको अपने आप पसीना आना शुरू होता है वो पसीना क्यों आता है क्योंकि मैम बॉडी के अंदर जितना भी हमारा वेस्ट है या तो मैं ये कह सकती हूँ कि सॉल्ट कंसेंट्रेशन बाहर निकल रही है दूसरी चीज बाहर के तापमान के लिए हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर खुद को बैलेंस कर रहा होता है इसलिए पसीने आते हैं कि पसीना आया हवा चली तुम्हें एक ठंडक का एहसास हुआ सिंपल मैम लग गई हमें बढ़िया से है जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत मिल गई तो ये ताप नियंत्रण भी हमारा ब्रेन का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस वो करता हुआ नजर आएगा इसी के साथ साथ ये हमारी सारी रिदम को भी कंट्रोल करता है बॉडी की जितनी भी लय है कि भाई तुमने सुना होगा कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन कर ले उसके बाद वो कभी सीधे चल पाता है क्या क्यों भाई बोलो हां कि ना कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन कर लेता है तो क्या वो कभी सीधे चल पाता है नहीं मैम उसकी चाल जो है वो लड़खड़ा जाती है वो इधर चला और उधर चला पता नहीं वो किधर चला तो मैम वहां पर हमारी एक रिदम एक लय जो होती है ना ये भी ब्रेन का ही एक भाग रेगुलेट करता है साथ साथ में इसी को हमने लिखा रिदम रेगुलेट करने वाला भाई वो लड़खड़ा के चलता है ना उसका बैलेंस उसका पॉस्चर बिगड़ जाता है क्योंकि अल्कोहल ने आपके ब्रेन को अफेक्ट कर दिया है तो ये सारी चीजें दिखाई देती है इसी के साथ आपके बॉडी जितने हम हम, कल कल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वाले सेशन में जितने भी हॉर्मोन्स बनते हैं उनका भी नियंत्रण यही यहां पर करता है मतलब बिना इस ब्रेन के ऑर्डर के ना एक भी अंत ग्रंथी हॉर्मोन जारी नहीं कर सकती। सोच रहे हो इसे कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर तो ये मास्टर का भी मास्टर है कि जब तक इसकी सूचना नहीं आएगी जब तक इसकी हामी नहीं भरेगी तब तक कोई भी हार्मोन बॉडी से जारी नहीं होता है तो यहां पर ये सभी अंतस्त्राविक ग्रंथियों को भी सक्रिय करता है तो ये सारे काम हमारे ब्रेन के देखे जाते हैं समझ पा रहे हो बात को कि नहीं भाई क्लियर हो रही है कहानी की नहीं मैं तो सही चलता हूं ये देखो मतलब एक्सेप्शन डू एग्जिस्ट भाई एक्सेप्शन का कुछ नहीं कर सकते अभी चीजें क्लियर हो रही है तो सेशन को पहुंचाते भी चलना और लाइक वाला बटन दबा देना अगर दिल से चीजें जो है वो आपको क्लियर हो रही है तो चलिए इस भाग को हमने कहा कि ये आपका भाग दिख रहा है अब देखो जरा इस भाग को मैम ब्रेन आपने मुझे बता दिया कि ब्रेन के काम क्या होते हैं ये अंदर वाला भाग ब्रेन है और सबसे बाहर की जो तुम्हें एक हड्डी दिख रही है ना ये कपाल की हड्डी होती है मतलब एक आउटर लेयर है जो हड्डियों का ढांचा होता है इनके बीच में ये कपाल और ये आपका ब्रेन इन दोनों के बीच में कुछ झिल्लियां पाई जाती हैं जिसे हम मस्तिष्क का बाहरी आवरण कहते हैं एक बार कमेंट में तो मुझे बताओ फटाफट से कि हमने कल हृदय का बाहरी आवरण पढ़ा था क्या पढ़ा था कि आपके हार्ट का बाहर जो एक आउटर लेयर लगी होती है एक रैपर टाइप बंधा हुआ होता है वो कौन सा होता है उसका क्या नाम था जल्दी से एक बार बताइए मोहिनी ड्यूरा मेटर कह रही है बहुत बढ़िया लेकिन बच्चे ये अकेला ड्यूरा मेटर नहीं है इस पूरे को नाम मैनेज का नाम देते हैं इस पूरी झिल्लियों को ये यह जो यहाँ से यहां तक लगी है ना इन सबको मिलाकर मेनेंज का नाम देते हैं इसका एक भाग होता है ड्यूरा मैटर ठीक है बहुत अच्छे रूबी मोहिनी पेरिकार्डियम नाम आ रहा है भाई बहुत बढ़िया सुरजीत ठीक है तो हृदय के बाहर जैसे पेरिकार्डियम था ऐसे यहां पर भी मैम ब्रेन को बचाने के लिए ना एक लेयर पाई जाती है उस लेयर को मैनिंज कहते हैं देखो जरा यहाँ पे हमने कहा ये रही बाहर कपाल की हड्डी इस लेयर को मानना कपाल ठीक है वो जो हड्डियों का ढांचा होता है ये बाहर स्किन है स्किन के नीचे एक परत हो गई ये सारा सिस्टम है इस कपाल के और अंदर यहां पे कहीं मेरा ब्रेन होगा इनके बीच में तीन झिल्लियां होती है ड्यूरा मैटर अरेकोनॉइड और पाया मैटर नंबर वन नंबर टू और नंबर तीन इन तीनों को मिलाकर के मैं नाम देती हूं मैनेंज का आपने एक रोग सुना होगा मैनेंजाइटिस वो इसी से संबंधित है ठीक है वो इसी से संबंधित है तो ये तीन झिल्लियां मिलकर के मेनिंज को बना रही हैं जैसे वहां पेरिकार्डियम था यहाँ पर मैनिंज होगा सिमिलरली जैसे पेरिकार्डियम की तीन लेयर थी ना एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम याद है कि नहीं इसी प्रकार से यहां पर भी तीन लेयर है मैनिंज की ड्यूरा मेटर अरेक्नोइड और पायामेटर तो याद रखेंगे कि ब्रेन हमारी तीन अलग अलग लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है तीन संयोजी उत्तक की झिल्ली जो मस्तिष्क की रक्षा करती है या जो बाहरी आवरण बनाती है ड्यूरा मैटर बाहर की झिल्ली है आउटर लेयर है अरेक्नोइड वाली बध, मध्य में पाई जाती है ठीक है बीच में होती है और भीतरी होती है मृदुता यानी कि जिसको हम पाया मैटर के नाम से जानते हैं बोलो क्लियर हुआ कि नहीं इन्हीं को मिलाकर मैंने क्या कह दिया मैंने कहा भाई तो मैनेंज है ये तो मैनेज है इसमें सूजन आ जाए इसमें कोई दिक्कत आ जाए इसमें बैक्टीरिया लग जाए तो मैनेंजाइटिस का रोग बन जाता है तभी मैनेंजाइटिस का रोग बन जाता है अब आप बोलोगे मैम इसका काम क्या है भाई मैंने कहा ये ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर कपाल है तो यहां पर उस हड्डी और इस मांसपेशी को काम करने के लिए बीच में एक लेयर तो लगानी पड़ेगी और एक लेयर लगाई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है तो इस लेयर का मुख्य काम क्या होता है ना कि ये आपके ब्रेन के सेल्स को पोषण देने का भी काम करती है ठीक है पोषण देने का भी ये काम करती है यहाँ पर एक द्रव्य भरा हुआ होता है क्वेश्चन आप लोगों के रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है कि बताओ मैनेंज की ये तीन लेयर है अब इन तीनों झिल्लियों के बीच में क्या कोई लिक्विड होगा देखना जरा यहाँ पे ये तीन लेयर्स हैं। इनके बीच में कोई लिक्विड लगा हुआ है क्या दिख रहा है क्या किसी को आप बोलोगे हम दिख तो नहीं रहा ठीक है दिख तो नहीं रहा लेकिन लेकिन होता जरूर है कौन सा लिक्विड होता है उसको नाम देते हैं सी एस एफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुड देखिए मैं इसको आपको दिखा देती हूँ अगर ये ब्रेन दिख रहा है तुम्हें देखो भाई ध्यान से ये कपाल है और इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ तो यहां पर ना एक दो तीन ऐसे तीन लेयर्स जा रही होती हैं जो ब्रेन को बचा रही होती हैं इसी के अंदर जो द्रव्य है उसका नाम होता है सी एस एफ यानी कि स्पाइनल फ्लूड जिसको कहते हैं मस्तिष्क कमेरू द्रव्य ये द्रव्य का काम क्या होता है ये लिक्विड न्यूट्रिशन देता है पोषण दे रहा होता है आपके ब्रेन को अब मान लो कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था और अचानक से गिर गया ठीक है उसके सर में चोट आएगी तो भाई सर पे चोट आए उससे पहले उस सदमे को शॉक को एब्सॉर्ब करने के लिए ना हम यहाँ पर ये लिक्विड भर देते हैं कौन सा मस्तिष्क कमेरु द्रव्य बोलो याद है कि नहीं बहुत कम दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं ये सीआईएसएफ नहीं है इसको सी एस एफ कहते हैं भाई सी आई एस एफ की भर्ती मत निकालो इधर देखो सी एस एफ है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड मतलब सेरिब्रम और स्पाइनल के साथ लगा हुआ एक द्रव्य का भाग जिसको हमने का नाम दिया कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई आईक्यू क्यू सब पढ़ेंगे आगे रुक जाओ जरा तो इसे हमने कहा कि यह हमारे पोषक तत्व को देने का काम करता है शॉक को एब्सॉर्ब करता है कोई सदमा लग जाए व्यक्ति को चोट लग जाए उसको अवशोषित करने का कार्य करेगा और बिटवीन द मैनेज ये पाया जाता है ये है हमारा मुख्य मस्तिष्क का भाग जिसके अंदर हमें दिखाई देता है Clear? किसी के मन में कोई कोई समस्या तो ये ब्रेन था अब देखिए ब्रेन की भी उत्पत्ति हुई जैसे कल हमने आपको बताया था मुख्य तौर पे हृदय की उत्पत्ति कौन सी झिल्ली से हुई थी मीजोडर्म से ऐसे ही ब्रेन की उत्पत्ति कहां से हुई है तो आप बताओगे एक्टोडर्मल उत्पत्ति है यानी कि वो जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो तीन झिल्लियां बनती हैं जो अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। उसी में एक झिल्ली एक्टोडर्म थी एक मीजोडम थी एक एंडोडर्म थी यहां पर एक्टोडर्म वाली झिल्ली जो है वो ब्रेन बनाने का काम करती है बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं जल्दी से बताओ ये सारी चीजें ना मैं तुम्हें दिखाऊंगी रेलवे के ही पीवाईक्यू में एसएससी के पीवाईक्यू में आई हुई है पूछा हुआ है कि भैया बताओ तो जरा कैसे काम करता है फिर तुम कहोगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं चला ठीक है तो इसकी उत्पत्ति कैसी है आप कहेंगे एक्टोडर्मल उत्पत्ति है अच्छा इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वजन कितना है तो लगभग तेरह सौ ग्राम तक यह दिखाई देता है ठीक है तेरह से चौदह सौ ग्राम इसका वजन है पाउंड में भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई कितने पाउंड होता है ब्रेन का वजन तो तीन पाउंड आप यहाँ पर बता सकते हो साथ में हमारे ब्रेन को लगभग जो वजन की बात करते हैं ना कि आपने कहा पूरी बॉडी में 1300-1400 ग्राम हमारा ब्रेन है ये पूरे शरीर के भार का दो प्रतिशत भाग लिए बैठा होता है कितना दो परसेंट भाग लिए बैठा होता है दो प्रतिशत तेरह चौदह ग्राम नहीं तेरह सौ से चौदह सौ ग्राम दिखाई देता है और पूरी बॉडी वेट का कि आपका वेट अगर साठ किलो है तो उसका दो परसेंट भाग हमारे ब्रेन का दिखाई देगा इसी के साथ इसकी लंबाई चौड़ाई हालांकि पूछता नहीं है बट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो और इसी के साथ हमारा ब्रेन जो है वो बीस परसेंट तक ब्लड में जो ऑक्सीजन बह रही होती है ना जो हमने कल पढ़ी थी कि हमारा हृदय पंप कर रहा है बार बार ब्लड को उसमें ऑक्सीजन है तो 20 परसेंट ऑक्सीजन हमारे ब्लड की ब्रेन को चाहिए होती है काम करने के लिए कि देखो भाई बाकी 80 परसेंट तुम पूरी बॉडी में सप्लाई कर दो 20 परसेंट ऑक्सीजन मेरे लिए छोड़ दो कहा नहीं क्लियर कि नहीं जल्दी से बताओ एक बार भाई यहां तक कोई समस्या किसी को ब्रेन समझ में आया कि मैम ब्रेन क्या है अब इसके तीन भाग हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीन अलग अलग भाग हम यहाँ पर पढ़ेंगे ईमानदारी से एक बार थम्सअप का साइन शेयर कर देना कि मैम हमें चीजें क्लियर हो रही हैं है। मैम फीमेल में हार्ट अटैक क्यों नहीं होता बेटा सब में होता है फीमेल में भी होता है मेल में भी होता है कल मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है यहां पर हार्ट अटैक हो रहा है इसका मतलब हार्ट की मांसपेशी जो है वो डैमेज हो गई है इसमें ये नहीं है कि फीमेल में होगी या मेल में होगी वो लिंग देख के नहीं काम करता कि चलो आज लड़कियों को जाकर के हार्ट अटैक कर दू आज लड़कों को कर दू ऐसा नहीं है ठीक है नहीं कोई बैक्टीरिया वायरस से होता है तो चलिए इसने कहा हमने ब्रेन यहां पर ब्रेन के साथ साथ अब आते हैं मैम इसके तीन भागों पर देखो ये ऊपर वाला माला जिसे तुम कहते हो ना कि भाई ये इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा इसकी ये वाला भाग ऊपर जो सबसे बड़ा भाग मुझे दिख रहा है ये पूरा भाग अग्रह मस्तिष्क या फोर ब्रेन का होता है बीच में छोटा सा ये देख रहे हो ग्रीन कलर का छोटा सा भाग है ये मध्य वाला भाग है और नीचे की तरफ जो भाग दिख रहा है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है ये मैम तीन इसके क्या है तीन भाग हैं, तीन पार्ट में कह सकती हूँ लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे ब्रेन में हड्डी कितनी है आप बोलोगे भाई देखो चार हड्डियां अलग अलग दिखाई देती हैं। चार कैसे ये पूरा भाग है हमारा जिसमें एक माथे वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आपका टेम्पोरल फिर फ्रंटल फिर पेराइटल और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल इधर देखेंगे ध्यान से ये वाला भाग मुझे किसका दिख रहा है ये ये आगे की तरफ टेम्पोरल का भाग है माथे वाला वाला फिर ये ऊपर भाग आपको दिखाई दिया फ्रंटल फिर पीछे पेराइटल और लास्ट में जो बीच पीछ, पीछे आपके बैकबोन के ऊपर वाला हिस्सा है उसे ऑक्सीपिटल का लोब कहते हैं तो ये चार अलग अलग हड्डियां हैं लेकिन इनकी संख्या की अगर बात करी जाए तो कुल मिलाकर के पूरे स्कल में पूरे का पार्ट ये जो आपका खोपड़ी होती है इसमें आठ हड्डी पाई जाती है टोटल मिला करके हमें अभी फिलहाल ये चार भाग देखने हैं कि किस प्रकार से है जब हड्डियों का ढांचा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आपकी फ्रंटल ऑक्सीपिटल एक, एक ऐसे बहुत सारी हड्डियां पर पाई जाती हैं ठीक है थीके? टोटल मिला के स्कल में कितनी हड्डी है आठ हड्डी होती हैं टेम्पोरल की और पेराइटल वाली दो दो हड्डी दिखाई देती है बाकी सब एक ही हड्डी हमें दिख रही है तो कुल मिलाकर के मैम ये तीन भाग के साथ हमारा जो बटा हुआ होता है वो देखो कुछ ऐसे होता है ये देख पा रहे हो टेम्पोरल फ्रंटल पेराइटल और ऑक्सीपिटल वापस से एक बार देख लो ध्यान से आंखों में इसको बसा लो कि मैम अगर पेपर में आ गया तो मुझे ये बहुत बढ़िया से बता देना है ठीक है चलिए अब एक एक करके पार्ट पढ़ते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन को समझते हैं आपने कहा कि मैम हमारे पास ये जो भाग है ना फोर ब्रेन का ये सबसे बड़ा भाग है जो हमें ऊपर की तरफ दिखता है अब ऊपर से तो मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है बट अगर मैं ये तो साइड व्यू है अगर मैं इसको ऊपर से देखूं यानी कि को कोई ऊपर से टॉप व्यू देखेगा तो ये वाला भाग होता है जो दो भागों में ऑलरेडी बटा हुआ होता है इस बड़े भाग को कहते हैं का भाग यानी कि प्र मस्तिष्क तो मैंने अगर इसको डिवाइड करा है एक सेकेंड अगर हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं मस्तिष्क को तो पहला भाग हम लिखते हैं फोर ब्रेन का फोर ब्रेन यानी कि जिसे हम हिंदी में अग्रह मस्तिष्क का भाग कहते हैं अग्र मस्तिष्क के अंदर तीन भाग आते हैं वापस से एक होता है सेरी ब्रह्म का भाग प्रतिष्क दूसरा होता है आपका जिसे हम थेलेमस का भाग कहते हैं और तीसरा कहलाता है हाइपोथैलेमस थैलेमस और इपो इसी के अलावा जो बीच वाला भाग होता है वो मैम अपना अलग से रहता है उसको हम मिड ब्रेन का भाग कहते हैं मिड ब्रेन कह लीजिए या मध्य मस्तिष्क आप इसको कह सकते हैं मध्य मस्तिष्क क्या कर रहा होगा मैम इधर से सूचना लेगा आगे पहुंचा देगा यानी कि तीसरे भाग में जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं हाइंड ब्रेन का नाम दिया जाता है श्चम मस्तिष्क का नाम दिया जाता है अच्छा इसके भी तीन भाग होते हैं भाई ये जो पीछे वाला भाग है ना इसके भी अपने आप में तीन भाग हैं। तीन भाग कौन से होते हैं इसमें एक आता है सेरी बेलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क अब देखो मतलब मैं एक एक भाग के बारे में समझाऊ कि इसमें आता है एक पॉन्स का भाग पॉन्स वेरोली जिसको कहा जाता है और तीसरा भाग होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा ठीक है मेड्यूला का भाग तो कुल मिलाकर के मैंने अपने ब्रेन के तीनों भागों को तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया कहानी समझ में आ रही है कि नहीं अब आते हैं मैम सबसे बड़े भाग पे ये वाला भाग जो आप देख पा रहे हो ना ये सबसे बड़ा भाग है इसी को कहा जाता है पूरे ब्रेन का मतलब किसी एक भाग का नहीं पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन के नाम से हम इसको यहां पर जानते हैं ठीक है प्रह मस्तिष्क का भाग है अब देखो ध्यान दो जरा कितने लोग मानते हैं कि मैम मैं इंटेलिजेंट हूँ कितने लोग मानते हैं इंटेलिजेंट भी नहीं है ये कहते हैं कि मैम देखो मैं तो एवरेज भी सही लेकिन मैं इस बार ना 2024 में रेलवे एसएससी का का पेपर निकाल दूंगा कौन कौन मानता है एक साइन भेजना जरा जल्दी से बताओ कौन कौन मानता है कि मैम मैं इस बार 2024 में एक सरकारी नौकरी ले लूंगा और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ठीक है ये भी जरा मुझे बताना आप में से जितने भी लोग देखो कितने आंसर आ रहे हैं मैम में तो सबको नौकरी चाहिए सरकारी लेकिन सबको एक बात और याद रखनी है कि जो इस वर्ष सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं वो किसकी वजह से होगी वो होगी आपके सीरियसनेस आपके डेडिकेशन आप कितना ज़्यादा लग करके मेहनत कर रहे हो और उसमें जिम्मेदार है ये ये भाग आपके आई को संभालता है आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन को संभालता है मतलब आपकी बुद्धिमता आपकी याददाश्त आपकी मेमरी आप कितना चीज़ें सीख रहे हो कितनी लर्न कर रहे हो ये सारा कुछ हमारा ये सेरिब्रम का भाग समझ है। ये जितने भी आंसर आज मेरे पास पर मैं और अगर ये, बढ़िया से काम कर ना, अगर ये अच्छे तरीके से चीजों को सीख रहा है लर्न कर रहा है अपनी याददाश्त बढ़िया से एक्टिव कर रहा है तो आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन तो देखो पक्का है, ही है ठीक है तो ये भाग हमें यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाई देता है इसी सेरिब्रम का मेन काम क्या है कि आपके इंटेलिजेंस को आपके आईक्यू लेवल को मेंटेन करता है जिसमें अभी हमने कहा कि बुद्धिमता को ये संभालता है आपके बुद्धि या बल को नियंत्रित कर रहा है अच्छा दूसरा भाग हम आपसे ये कहें कि भाई आप सो रहे हो ठीक है लेकिन सोते हुए भी अगर कोई आके तुम्हारी पिटाई कर दे तो क्या तुम उठ करके रिवर्स में उसके लगाओगे कि नहीं लगाओगे कि भाई बॉडी में हम कॉन्शियस हैं हमारी बॉडी में एक चेतना है कि अगर गलती से एक पिन भी अगर मुझे चुप जाएगी तो मैं हाथ तुरंत पीछे हटाऊंगी कि नहीं भैया मुझे दर्द हो रहा है होगा कि नहीं तो हमारी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस होती है ना कि हम जागरूक हैं ये हम जीवित हैं इसकी एक विशेषता है ये चीज भी हमारा सेरिब्रम नियंत्रित करता है तो आपसे पूछा जाए कि भाई पहला भाग है लार्जेस्ट पार्ट जिसको आपने कहा सेरिब्रम का इसके मुख्य तौर पर क्या रोल है क्या कार्य हाँ पर करता है आप बताओगे इंटेलिजेंस संभाल रहा है पहला दूसरा कॉन्शियसनेस को यानी कि चेतना और याददाश्त दोनों को यही संभालता है बोलिए हा कि ना इसके साथ साथ ये भाग अगर मैं यहां ऊपर से देखूं तो मैम इसको पकड़ के मैं दो भागों में खोल सकती हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा भाग है और इसका लेफ्ट और राइट दो गोलार्ध में बटा होता है एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ यहां बीच में एक हिस्सा होता है जो इसको जोड़ करके रखता है जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम क्या नाम होता है कॉर्पस कैलोसम का नाम इसका देखा जाता है मैं एक बार आपको इसका डायग्राम यहां पर शो कर देती हूं जरा इसको देखिए देखो भाई ध्यान से इसको जरा ये दिख रहा है ना ब्रेन का ऊपर वाला भाग कि मैम मुझे ऊपर से तो कुछ ऐसा दिखता है मगर मान लो मैं इसे पकड़ के दो भागों में खोल दू एक लेफ्ट और एक राइट ये वाला भाग कहलाता है आपका लेफ्ट और राइट वाला भाग मतलब इसको राइट और लेफ्ट कहेंगे इन दोनों को ये वाला भाग जो जोड़ रहा है जो इनको कनेक्ट कर रहा है उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम बोलो तो समझेगी नहीं समझे जल्दी से मुझे बताओ एक बार हाँ भाई कितने लोगों को सेरिब्रम समझ में आ गया क्योंकि एक एक भाग समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे पास सभी के कमेंट्स जो हैं, वो रुक गए थे लेकिन अभी फिलहाल सबके कमेंट आ गए हैं बहुत अच्छे ठीक है तो ये भाग कहलाता है आपका कॉर्पस कैलोसम का जो सेरिब्रम को जोड़ करके रखा हुआ है अब आते हैं मैम सेरिब्रम ने तो सब कुछ संभाल लिया क्वेश्चन आता है कि कौन सा भाग लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं और बाएं गोलार्द को जोड़ करके रखा हुआ है ठीक है और इसी के साथ वो सबसे बड़ा भाग भी है तो सेरिब्रम का भाग हमारा सबसे बड़ा होता है अब इसी के नीचे अगर मैं आती हूं देखो जरा यहाँ पे ये वाला भाग तो तुमने कह दिया कि भाई ये पूरा का पूरा जो है ये सेरिब्रम का भाग आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसके नीचे की तरफ ये जो एक हिस्सा दिख रहा है ये वाला यहाँ पर आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो किसके भाग है जो आपके फोर ब्रेन के बाकी के दोनों भाग होते हैं यानी कि अग्रह मस्तिष्क है ना आगे वाला तो उसमें ये भी आता है और बीच वाले कुछ ये वाले भाग भी आते हैं जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस का भाग होता है थैलेमस क्या है थैलेमस वो भाग होता है जो आपके सेरिब्रम के नीचे है पहली चीज ये सेरिब्रम है इसके नीचे आता है दूसरी बात कि उसका काम है आपके बॉडी में किसी भी प्रकार से तापमान को नियंत्रित करना दूसरा कोई भी गलत तरीके से या किसी भी प्रकार से आपकी बॉडी पर स्पर्श हो रहा है यानी कि कोई टच अगर आप फील कर पा रहे हो तो उसको भी हमारा थैलेमस ही एक्टिवेट करके बताता है कि भैया कोई चीज बॉडी से टच हुई है या फिर मान लो तुम कहीं पर कोई प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर प्रेशर इन द सेंस कि पैर पे किसी ने कुल्हाड़ी मार दी तो तुम्हें तो यकीन होगा ना कि हाँ भाई पैर पे किसी ने कुल्हाड़ी मारी है तो मेरे पैर पे एक दबाव बना है उसको भी नियंत्रित कौन करता है वो हमारा यही थैलेमस का भाग होता है तो थैलेमस के तीन भाग या तीन काम याद रखेंगे टी टी पी यानी कि टेम्परेचर टच और प्रेशर तापमान स्पर्श और दबाव को बना करके मेंटेन करके रखने का काम हमारे इस थैलेमस का होता है बोलो हाँ कि ना अब कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक तो समझ गए कि मैम सेरिब्रम ने कैसे काम किया और थैलेमस ने कैसे काम किया इसके जस्ट नीचे एक ऐसा भाग आता है जिसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड आप बोलोगे मैम ऐसी कौन सी इसने मास्टरी हासिल हासिल कर रखी है या कौन सी पीएचडी की डिग्री ले रखी है देखो भैया ये वाला भाग जो है हाइपोथैलेमस का ये वो भाग है जिसके लिए तुम दिल को जिम्मेदार ठहराते हो सब यही तो मानते हैं कि दिल जो है वो भावनाओं से संबंधित है कि हमारे दिल में इमोशंस पैदा हो रहे हैं लेकिन नहीं आपके दिल में इमोशंस पैदा नहीं होते आपके हाइपोथैलेमस का काम होता है सारी भावनाओं को नियंत्रित करना आपको डर लग रहा है तो हाइपोथैलेमस काम करेगा आपको घबराहट हो रही है आपको मोटिवेशन फील हो रहा है आपके अंदर एक अलग से आ, हिम्मत जाग गई है कि मैम इस वर्ष यानी कि 2024 में सरकारी नौकरी मेरी है ये भी हाइपोथैलेमस संभाल रहा है तुम्हें किसी से अट्रैक्शन हो गया है या तुम्हें किसी से नफरत हो गई है किसी से प्यार हो गया है किसी पर गुस्सा आ रहा है अचानक से बहुत तेज भूख लग रही है या प्यास लग रही है ये सारी चीजें कौन नियंत्रित नियंत्रित करेगा हमारा हाइपोथैलेमस करता है बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही अगली बार से दिल को जिम्मेदार बिल्कुल बिल्कुल भी मत ठहराना कि दिल का काम है इमोशंस का दिल तो बेचारा ब्लड पंप कर रहा है हाइपोथैलेमस है विच योर इमोशंस अर्ज फॉर ड्रिंकिंग ईटिंग बॉडी टेम्परेचर सारी चीज़ें थैलेमस के जस्ट नीचे आता है और साथ साथ में आपके कुछ हार्मोन्स को भी ये बनाता है तापमान को भी ये नियंत्रित करता है यानी कि थर्मो रेगुलेशन में भी ये मदद करता है और साथ में ये आपके पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारी एक मस्तिष्क की आ, मास्टर ग्रंथि होती है ना जहाँ से सारे हॉर्मोन्स बनते हैं उसको ऑर्डर देता है कि चलो भैया आपने हॉर्मोन्स बनाने शुरू करो तो जब तक हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं देगा वो ग्रंथि काम ही नहीं करेगी ये क्या है आपकी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है एक अंतस्त्रावी ग्रंथि है जो कि हॉर्मोन बनाने का कार्य करती है इस हिसाब से मैम क्योंकि ये मास्टर है इसका मास्टर कौन है इसका मास्टर है हाइपोथैलेमस जल्दी से बताओ एक बार मैम पिकिंग अप पेन फ्रॉम द टेबल ब्रेन का कौन से पार्ट वर्क करेगा इस सब अभी बताऊंगी बताऊंगे पेन को अगर आप उठा रहे हो सीधे तो वहां आपकी बॉडी का पॉस्चर सैरी बैलम के थ्रू मेंटेन होता है ठीक है ये ऑलरेडी रेलवे में आया हुआ सवाल है आपका जो आपके पिछले विगत वर्षों का प्रश्न देखा गया है ठीक बल बोलो भाई बताओ एक बार फटाफट से कहानी समझ आई कि नहीं कि हाइपोथैलेमस कैसे काम कर रहा है इसके बेस पर है तापमान खाना पीना इमोशन सब यही संभाल रहा है इमोशंस में केवल प्यार मोहब्बत नहीं आता गुस्सा नफरत डर मोटिवेशन हर एक चीज आती है साथ में अचानक से रात में ढाई बजे भूख लग रही है तीन बजे भूख लग रही है मैडम वो अचानक से जो क्रेविंग होती है ना जिसको तुम आम भाषा में क्रेविंग कहते हो वो सारी चीजें यही संभालता है हाइट बढ़ाने का काम इस ग्रंथि का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो ये काम नहीं करता लेकिन यहाँ हाइपोथैलेमस ने सबसे पहले आदेश दिया होगा किसको इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई देखो मैं हूं हेडमास्टर मैंने इसको ऑर्डर दिया कि जाओ अपना काम शुरू करो तब ये आपके अलग अलग ऑर्गन से कहती है कि हार्मोन बनाने जारी कर दीजिए ठीक है हाँ तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का भाग जो है रहता है और इसीलिए हम इसको एक झूठी अंत ग्रंथि कहते हैं पूरी बायोलॉजी केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर ये वर्ड दिख जाए ना स्यूडो तो समझ जाना इस वर्ड का मतलब है झूठा कि ऐसा होता नहीं है बट हां प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ काम कर रहा है झूठी अंतिक ग्रंथि का काम यहां पर कर रहा है बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सीजीएल देखिए जो जो, जो जो यहां पर हम हर प्रकार से उन सभी चीजों को समझेंगे जो आपके पेपर में पे क्वेश्चन पूछे गए थ्योरी लगभग समान है आपकी मैं क्वेश्चन तुम्हें एस लेवल पे भी कराऊंगी और आप लोग को रेलवे लेवल पे भी कराऊंगी क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताएं एक बार यहां तक कोई समस्या भाई चीजें क्लियर हो रही हैं ना ईमानदारी से, से लाइक कर देना ताकि तो मुझे भी समझ आ जाए कि हाँ आपको पार्ट इतना क्लियर हो गया है और अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाते रहिएगा ठीक है थीके? ये भाग कहलाता है हमारे फोर ब्रेन का यानी कि आगे वाला भाग इसी के अंदर कुछ ऐसे भाग होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के अंदर एक छोटा सा ऐसा भाग होता है जिसको कहते हैं है हाइपोथैलेमस का लिम्बिक सिस्टम एमिकडेला हिपो ये देख रहे हो अलग अलग नाम हिपो कैंपस सिस्टम एमिकडेला इसमें एक्चुअली में जो आपका इमोशन है ना वो इस

कंट्रोल कर रहा होता है तो ये तीनों भाग हमारे किसके हो गए, गए। कि सेरिब्रम, वो कहा जाएंगी इस मध्य वाले भाग तक जाएंगी ये मध्य वाला भाग बड़ा लचीला होता है मतलब आप कहोगे कि इसकी जो एक्चुअल काम होता है ना ये बड़े अलग अलग काम आपको दिखाई देते हैं क्योंकि इधर देखो ये वाला भाग होता है मध्य का ये वाला यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस देख लिया ये सेरिब्रम गया ये जो मिडल वाला भाग है मध्य का भाग होता है इसका काम मुख्य तौर पर आपके बॉडी में सुनना देखना कंट्रोल करना ये देखा जाता है कि ये जितने भी आपके मोटर मूवमेंट्स होते हैं ना कि भाई मैंने किसी को देखा अब मैंने किसी को देखा है तो मेरी ब्रेन में प्रोसेसिंग शुरू होगी मैं पहचानना चाहूंगी कि मैंने किसको देखा है वो कहाँ था पहले कौन थी इन सभी चीजों की जो प्रोसेसिंग है मेरे ब्रेन में आंखों की तरफ से जो सूचना गई है उसे संभालने का काम आपके मध्य मस्तिष्क का होता है आंखों का मूवमेंट और आपके विजुअल जो भी चीजें तुम देख रहे हो या सुन रहे हो इन सभी चीजों का नियंत्रण हमारा मध्य वाला भाग करता है फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक सूचना देता है ये तो सिंपल है कि मैं हम लॉजिक जा है ऐसा कुछ है ना बट स्टिल ये आपका मिडिल वाला पार्ट होता है तो ये अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में बैठा होता है सूचनाओं को ट्रांसमिट कर रहा है साथ-साथ में आपके सुनना और देखना दो चीजें याद रखना है यहां पर आपकी सुनना यानी कि ऑडिटरी और आपका जो भी आप देख रहे हो इन दोनों चीजों के मूवमेंट को इनकी गतिविधियों को ये नियंत्रित करता हुआ दिखाई देता है आई होप दिस इज क्लियर क्यों भाई कितनों को समझ में आ गया मस्तिष्क अब मैम ऊपर आपने ना एक लाइन लिखी हुई है कि मिड ब्रेन 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 और हाइंड मिलकर के ब्रेन का तना बनाते हैं इसको देखो जरा क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये पूरा एक वृक्ष है और इस वृक्ष का ये तना दिख रहा है क्यों भाई कितने लोग बोलेंगे हाँ मैम कि एक तना जैसा दिख रहा है और तने में से पूरा वृक्ष निकल के आ रहा है कितने लोग हाँ बोलते हैं इस चीज को सिंपल है इसीलिए मैंने ऊपर वाला भाग तो फोर ब्रेन का था ये मध्य का भाग और नीचे वाला हिस्सा पश्चिम का भाग इन दोनों को मिला करके क्या कह दिया कि देखो सवाल बन सकता है इनको मिला करके हम ब्रेन का तना कह सकते हैं यानी कि ब्रेन का स्टेम यहां पर हम कह सकते हैं मिड ब्रेन और हाइन ब्रेन मिलकर के क्या कहलाएंगे ब्रेन का तना कहलाते हैं ब्रेन का स्टेम कहलाते हैं कहानी समझे कि नहीं समझे जल्दी से बताओ एक बार क्लियर है तो मैम कहानी हमारी यहां से चली थी कि देखिए भैया हम फोर ब्रेन पे आए मिड ब्रेन पे आए सूचनाएं आ गई अब आते हैं पीछे वाले तीन भागों पर पीछे के जितने भी भाग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इसमें एक भाग है इंपॉर्टेंट जिसको पॉन्स कहते हैं ये देखो इस वाले हिस्से को ये नीचे वाला हिस्सा मेड्यूला ओब्लोंगाटा का है और ये तीसरा भाग जिसको सेरी बेलम कहा जाता है मुझे एक बात बताओ कि मैम अगर बॉडी में सबसे बड़ा हिस्सा हम को कह रहे हैं तो इसके बाद सेकेंड रैंक किसकी आएगी मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हिस्सा में किसे कह सकती हूँ ऑल इंडिया रैंक वन तो दुनिया को याद है टू नंबर किसको याद है ये बताओ किसे कहा जाता है क्यों भाई इस पूरे भाग में से अगर ये वाला भाग लार्जेस्ट है तो दूसरे नंबर का लार्जेस्ट भाग कौन सा है सेरी बेलम है पूजा बहुत बढ़िया भाई कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग यहां पर हो जाएगा जाएगा वाला भाग पर इसे कहते हैं कि मैम इसके बाद मुझे साइज जो दिख रहा है ना वो कहीं ना कहीं इसी का दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं अनु मस्तिष्क दिखने में अनु यानी कि छोटा है बट हां ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है देखिए कुछ इस प्रकार का ये नजर आएगा पीछे से तो मैम ऐसा दिख रहा है कि हाँ एक छोटा सा भाग है लेकिन अगर मैं इसे ओपन करूंगी ना तो एक पेड़ जैसा एक शाखाएं बनी हुई हमें नजर आती है आप में से अगर किसी ने मूवी देखी हो जिसमें अल्कोहल का सेवन करके आप तो लाइव एग्जाम्पल भी देख सकते हो कोई शराब का सेवन करके व्यक्ति जा रहा है और वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है तो आपके इसी वाले भाग पे असर डालती है शराब यानी कि ये जो छोटा सा भाग हम देख रहे हैं ना जिसको हमने कहा सेरी बेलम, इस पर आपकी शराब असर डालती है जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को सीधे चलना होता है बट वो सीधे नहीं चलता मैम वो इधर चला और वो उधर चला उसका पॉस्चर नहीं बन पाता वो एक सीधी रेखा में नहीं चल पाता क्यों क्योंकि ये सेलम का काम होता है ये सेम का ही काम होता है जो आपके बॉडी में आपके पोस्चर को बनाता है कि कोई व्यक्ति अगर सीधे खड़ा हुआ है भाई सीधे खड़ा हुआ है तो वो किसकी मदद से इस वाले भाग की मदद से ठीक है अगर मान लीजिए वो लड़खड़ा रहा है इसका मतलब उसका नहीं बन रहा उसकी बॉडी में जितना भी मूवमेंट है जो भी है, जो भी भी गतिविधियां हो रही हैं लोकोमोशन वो कर रहा है वो नहीं हो पा रहा है ठीक से तो इसीलिए याद रखिएगा कि सेरिबेलम वाला भाग ही उन सभी चीजों को नियंत्रित करने में मदद करता है आई होप समझ गए होंगे तो यहां सेकेंड लार्जेस्ट भाग हमने इसको इसीलिए कहा ये आपकी बॉडी का बैलेंस और पोस्चर संतुलन और मुद्रा को

क्लियर हुआ तो मैम ये कहानी होती है हमारे ब्रेन की अनु मस्तिष्क की सूचना कहाँ जाएगी से सूचना यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली जा रही है इस वाले भाग के पास ये था सरिबलम यहाँ से कहाँ गई इस पॉन्स वाले भाग के पास अच्छा कई लोगों में ना इशारों ही इशारों में बातें हो जाती है आप भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो जरूर कर करते हैं भाई सबके चेहरे पर कोई ना कोई एक्सप्रेशन जो है वो आता है कि अचानक से कोई खुशी हो गई तो एक्साइटेड हो जाओगे कोई गम हो गया तो चेहरा दुखी सा दिखाई देता है तो चेहरे पे जो इशारों इशारों में कहानी चलती है या जो एक्सप्रेशन आते हैं ना वो भाग हमारा ये पॉन्स वाला संभालता है ये पॉन्स वाला जो भाग है ये मुख्य भाग है जो कि सूचनाओं को ऊपर से नीचे लाने का कार्य यहाँ पर कर रहा है इसी को कहा जाता है कि एक मिडिल मैन या पोस्टमैन वाला काम यहाँ पर करता है ठीक है ये फेस के एक्सप्रेशन को संभालता है ये मूत्राशय को यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है कि हमारा ब्लैडर कुछ टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करके रखता है मूत्र को इकट्ठा करके रखता है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम यहाँ पर करता है बोलो समझे बाकी रिले सिग्नल की तरह काम करता है फ्रॉम दी फोर ब्रेन टू तो दी सेरिबेलम ऊपर से सेरिबेलम तक सूचनाओं को लाने ले जाने का काम यहाँ पर कर रहा होगा तो ये होता है हमारा जिसको हम नाम देते हैं के बाद पॉन्स वाला भाग अब इसके बाद जो बचा हुआ ये जो तीसरा भाग आता है ना मेड्यूला ऑबलोंग घाटा का सिग्नल फ्रॉम दी फोरब्रेन टू सेरिबेलम बिल्कुल सही देखो इधर ये वाला जो भाग है आखिरी वाला ये छोटा सा भाग इस वाले भाग को कहते हैं मेड्यूला आपकी बॉडी में क्वेश्चन आ जाएगा कि वॉमिटिंग केंद्र किसे कहते हैं उल्टी का केंद्र किसे कहते हैं अब उल्टी का केंद्र मतलब जहां से आपकी वॉमिटिंग रेगुलेट हो रही है भाई आपकी बॉडी में एक ऐसा भाग होता है जो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो तुम नहीं संभाल सकते लेकिन ये संभाल सकता है वो होता है मेड्यूला का भाग उस हिस्से को कहते हैं मेड्यूला ओब्लोंगाटा कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई मतलब मैम मेरी बॉडी में सांस ले रही हूं दिल धड़क रहा है खान, खाना जो है वो पच रहा है उल्टी हो रही है खांसी भी भी है? है ऐसा अद्भुत प्राणी भैया तो ये सारी चीजें रुकती नहीं है ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं किससे कंट्रोल होती हैं मैडम ये हमारे इस मेड्यूला के भाग से कंट्रोल होती है क्योंकि यही मेड्यूला का भाग आगे जाकर के उस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं मेरुदंड ठीक है ये भाग कहलाता है मेड्यूला अगर कहीं पूछ ले कि शरीर की सभी अनैच्छिक गतिविधियां कौन संभालता है तो आप बताएंगे मेड्यूला का भाग संभालता है इट कंट्रोल्स इन एक्शंस या इन एक्टिविटीज

जल्दी से बताइए उल्टी का केंद्र यह अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है देखो नोट्स में ना तुम्हारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं जो हैं वो यहां पर उपस्थित हैं तो आप इनको क्या कर सकते हो जो जिस भाषा में चाहता है वो उस भाषा में यहाँ पर चीजों को कर सकता है अब मुझे एक बार फटाफट से एक अप का साइन जल्दी से भेज दो कि मैम ब्रेन समझ में आ गया क्योंकि अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड को भाई ब्रेन समझ में आया कि नहीं आया मैम अब अच्छा चलो थोड़ा सा ध्यान ब्रेन पर दे लीजिए सारी गतिविधियां ठीक हो जाएंगी सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा अपने आप ब्रेन को संभालने की बात है कि कितना आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं अब देखिए ब्रेन समझ में आ गया तो ब्रेन से नीचे मैंने कहा कि ये वाला भाग आता है स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल कॉर्ड दरअसल रीढ़ की हड्डी के अंदर जाती हुई एक नस है मैं तुम्हें एक डायग्राम यहाँ पर दिखा देती हूँ जिससे तुम्हें चीजें जो है वो समझ में आ जाए कि कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है देखो भाई ये वाला भाग होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का ये सभी ने देखा है सुना है समझा है नहीं देखा तो आगे हम रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो ये एक ढांचा सा दिख रहा है मैम हमें ये ब्रेन से निकलती हुई पूरी एक हड्डी है पीछे की तरफ इसी हड्डी में से एक पतली सी नस जारी होगी और उसी नस को हम क्या नाम देते हैं मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हमने क्या किया कि भैया ये पूरी रीढ़ की हड्डी ना बहुत लंबी है मतलब लगभग हड्डियां यहां पर पाई जाती है तो मैंने इसको पांच भागों में बांट दिया इसका पहला भाग सर्वाइकल कहा जाता है आप में से ही कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सर्वाइकल के बारे में सुना होगा या उनका दर्द जो होता है उसको सुना होगा कि कुछ लोगों के ना सर्वाइकल पेन होता है अभी सर्वाइकल पेन कौन सा पेन है भाई तुम नीचे देख रहे हो लगातार बैठ रहे हो पढ़ रहे हो तुम्हारी गर्दन झुकी हुई है तो ये वाला जो नेक वाला भाग होता है ये देख रहे हो ये जो नेक वाला गर्दन का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं सर्वाइकल का भाग ये सर्वाइकल का भाग आपकी में पहली सात हड्डियां लेकर के बैठा होता है इसके नीचे चेस्ट कैविटी आती है छाती की गुहा जिसे हम कहते हैं तो यहां पर हमारा थोरैसिक वक्ष गुहा जिसे कह देते हैं तो सर्वाइकल के बाद अगला भाग क्या आया थोरैसिक आया फिर नीचे मैम हमारा आमाशय आता है उधर भाग जिसे कहा जाता है एब्डोमेन जिसे कहा जाता है तो उसके लिए मैंने क्या नाम दिया लंबर का नाम दिया लंबर के बाद नीचे की तरफ आपका जो किडनी आती है उसको सैक्रल और इसके नीचे एक भाग आता है कॉकिक्स का तो लगभग मिलाकर के सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल कॉकिक्स ये पांच भागों में ये पूंछ वाला जो भाग देख रहे हो ना इसको कहते हैं कॉकिक्स और सैक्रल वाला भाग ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये लंबर वाला भाग जो है ये अमाशे वाला भाग है थोरेसिक हमारी चेस्ट कैविटी को और सर्वाइकल हमारी नेक को कहा है तो ये पांच भाग जो है वो मिलकर के एक रीढ़ की हड्डी को बनाते हैं हमने ये तो समझ लिया लेकिन मैम इसी के अंदर एक नस जा रही है इसी के अंदर एक नस जा रही है अब समझना मेरी बात को ये देखो ये पूरा का पूरा वो भाग है इसके अंदर से नस निकलती हुई जा रही है क्वेश्चन आता है कि सर्वाइकल सॉरी uh, स्पाइनल नसों की संख्या बताओ कितनी नसें होती हैं तो मैम इनकी संख्या दरअसल जोड़ी में मापी जाती है एक दो इधर से तो एक दो तीन इधर से भी निकलती हैं हमेशा कैसे काम करती हैं जोड़ी में कार्य करती है हमेशा जोड़ी में कार्य करती है ये देख रहे हो ये पूरी हड्डी के बीच में से जा रही है जोड़ी में दिखाई देगी तो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप बता देना इकतीस जोड़ी यहां पर काम करता है ठीक है जल्दी से बताओ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये यहां पर नजर आ रहा है एक सेकेंड रुकना फिर तुम कहते हो मैम आपने हमें ब्लॉक करवा दिया तो मैं सुकून चलो भाई तो कुछ इस प्रकार से मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को पांच भागों में बांट सकती हूं सर्वाइकल लंबर सैक्रल कोकिक्स जब भी किसी बच्चा पैदा होता है ना जब हम बात करते हैं उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है तेतीस कितनी होती है तेतीस मैं अभी बात कर रही हूं आपके कशेरुक स्तंभ की ये फॉर्मूला चार्ट याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक पेपर के लिए यहाँ पर एक बच्चा जब नवजात शिशु होता है तो उसके अंदर सात बारह पांच पांच चार कुल मिलाकर कितनी हो गई तैतीस हड्डी किसी भी नवजात शिशु की दिखाई देती हैं देखो बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर कितनी हड्डी पूछता है थर्टी थ्री बोन्स होती हैं सर्वाइकल में यानी कि पहले भाग में सात हड्डी फिर अगले वाले में बारह हड्डी फिर पांच हड्डी फिर पांच हड्डी और फिर चार हड्डी लास्ट तक दिखाई देती हैं कोड क्या याद रखोगे सी टी एल एस सी अब यही कशेरुक स्तंभ में सात बारह पांच पांच और एक रह जाती है कुल मिलाकर के छब्बीस हड्डियां यहां पर होती हैं ठीक है एक सेकेंड ठीक है भाई तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो हड्डियां होती हैं वो किसी व्यसक मनुष्य में है कि मैम बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर सर्वाइकल की साथ थी आगे जाके साथ ही रहेंगी थोड़ा की बारह बारह रहती है लंबर की पांच पांच रहती है लेकिन आखिरी का जो भाग है ना ये जुड़ जाती है, ये जुड़ करके एक बना लेती है। और ये चार हड्डी हड्डी जुड़ करके एक यहां पर बना लेती है है तो कुल मिलाकर के आपसे पूछता है ना बच्चा पैदा हुआ तो तेतीस हड्डी बड़ा हुआ तो कितनी रह गई मात्र छब्बीस हड्डियां उसकी रह जाती है ये किसी एडल्ट किसी व्यसक मनुष्य की मैं बात कर रही हूं और इन्हीं हड्डियों में से क्या निकलता है मैम इन्हीं हड्डियों में से निकलता है आपके जो न की हम बात करते हैं ना जो स्पाइनल नसें निकल रही हैं तो अगर मैं यहां पर नर्व्स की बात करूं या आपकी जो नसें निकलती हैं वो कितने जोड़ी निकलती हैं तो देखो यहां पर निकलती हैं आठ यहां बारह यहां पांच यहां पांच और यहां पर एक ठीक है तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो इकतीस पेयर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं इकतीस जोड़ी हमें यहां पर नजर आती है बोलिए कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मतलब ये वाला भाग मैं आपको बोल रही हूं कि टोटल मिलाकर के अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ दोनों तरफ से नसें निकल रही हैं पांच भागों में मैंने बांटा है पहला भाग सर्वाइकल थोरेसिक थोर सैक्रल कोल वाले भाग से जो है वो पांच हड्डी पांच जोड़ी नसों की निकलती है और आखिरी वाले में से मात्र एक ही निकलती हुई दिखाई देती है बाकी आठ बारह और पांच पांच यहां पर दिखती है कहानी क्लियर हुई कि नहीं इसी चीज को हमने कंपेयर करके लिखा हड्डियां और नसों में इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से चलिए तो इसको याद रखना क्योंकि ये चीजें पेपर में आती हैं कि भाई कितने जोड़ी नसें आती हैं ठीक है ठीके? कितनी हड्डियां पाई जाती हैं बोलो कहानी समझे कि नहीं समझे ये है मैम स्पाइनल नसें जो कि हमारे ब्रेन में जितनी भी नीचे वाला भाग है वहां से निकल रही है मेड्यूला के और नसों को निकाल रही है नसें कितनी है कुछ इस प्रकार से इकतीस जोड़ी नसें मुझे यहाँ पर दिखाई देती है ठीक है व्यसक मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना और एडल्ट हो जाता है एडल्ट मतलब होता है बीस बाईस साल का तब तक आते आते तुम्हारी हड्डियां जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। बचपन में 300 से ज्यादा हड्डी होती है और जब बड़े हो जाते हो तो कितनी रह जाती है मात्र छब दो सौ छह हड्डियां जो हैं, वो कुल मिलाकर के रह जाती हैं। तो हमने ये जो मुख्य भाग था आप देखिए ब्रेन के अंदर ही हम बात कर रहे हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन भी बढ़ लिया और स्पाइनल कॉर्ड भी बढ़ ली यहां तक कोई समस्या किसी को लोगो पायलट का पेपर कब है भाई जुलाई और जुलाई और जून के महीने में जो है वो आप लोगों का पेपर होगा अभी तब तक के लिए थ्योरी जो है वो बढ़िया से कर लीजिए क्योंकि देखिए ये समय है और यही समय अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया अपने थ्योरी बनाने में अपने नोट्स को समझने में तो आगे आपको समस्या जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी जो अभी समय जाया कर रहे हैं ना यहाँ कॉमेंट सेक्शन के अंदर कुछ नहीं हो सकता फिर उन चीजों का चलिए आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में यानी कि परिधिय तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपसे कहा कि यहां से दो प्रकार की नसें निकलती हैं कपाल से अलग और स्पाइनल कॉर्ड से अलग नशे होती हैं इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को मैं दो भागों में बांटना चाहूंगी यहाँ पर एक सेकेंड देखो भाई ये परिधिय तंत्रिका तंत्र होता है जिसको हम यहाँ पर दो से तीन भागों में बांटेंगे डेफिनेटली ये नशे है और नसे हैं तो मैम ये हमारे ब्रेन से विभिन्न अंगों को जोड़ रही होंगी ठीक है इसके अंदर एक पहला भाग आता है जिसका नाम होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जब भी कहीं सोमा वर्ड सोमैटिक वर्ड दिखे ना समझ जाना कायिक बात कर रहा है यानी कि देहिक बात कर रहा है इसे आप लिख सकते हो देहिक तंत्रिका तंत्र देहिक तंत्रिका तंत्र अब देहिक तंत्र का, तंत्र का मतलब क्या होता है कि मैम जितनी भी हमारी बॉडी में देह से संबंधित चीजें हैं बॉडी से संबंधित चीजें हैं ना ये उनको नियंत्रित करता है अब देखो पांच मिनट के लिए बस एक चीज को सोचना एक एग्जाम्पल को इमेजिन करना मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ठीक है अचानक से तुम्हारे सामने एक पानी का ग्लास आ जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कहीं टेबल पर रखा हुआ है या एक खाने की थाली रखी हुई है अब तुम्हारी आंखें उस खाने की थाली को देख रही हैं या उस पानी के ग्लास को देख रही हैं आपकी आंखों ने देख करके एक सूचना पहुंचाई ब्रेन तक कि यार भूख तो लग रही है चलो इसको खा लेना चाहिए तो भाई ऐसा होता है कि नहीं होता कितनों के साथ ऐसा होता है मुझे एक बार जल्दी से बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कि अगर हमने देखा है तो ब्रेन तक अरे भूख लग रही है तो -फट से खाना उठा और खा ले, जब कुछ नहीं खाया है तो ब्रेन तो यही सूचना देगा ना जब ऐसी सूचना आपके ब्रेन से वापस आती है आपकी आंखों की जगह आपके हाथों तक वापस आएगी तो तुम यही तो कहेगा हाथ आगे बढ़ा और खाना खा ले तो जैसे ही जैसे ही आपकी आ, खाना आप खा लेते हो उसको यहाँ पे तो ये पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं नसों के द्वारा चल रहा होता है ठीक है अब जब ये नसें काम कर रही हैं तो इसमें एक नस ब्रेन तक सूचना लेके जा रही है खा लो फटाफट से तो ये सारा काम हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों के साथ कोऑर्डिनेट होकर के हो रहा है इसी को कहते हैं देहिक तंत्र का तंत्र यानी कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं जल्दी जल्दी से बताओ एक बार मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये देखो मैम ने इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी और तुम्हें पीडीएफ की लग रही है बेटा तो पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे जो ऑफिशियल चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर मिल जाएगा मुद्दा यह है कि तुम्हें आंखों ने क्या देखा तुम आंखों से किसको देख रहे हो ये समझो जरा पीडीएफ भी तुम्हारी मिल जाएगी ठीक है तो कुछ इस प्रकार की चीजें हुई देखो इस व्यक्ति के साथ भी यही हो रहा है यह व्यक्ति आंखों से सामने देख और, उठा और पी ले तो आपके वापस से एक नस जो है वो काम करेगी सूचना को लाने में इस प्रकार के सिस्टम को देहिक तंत्र का तंत्र कहते हैं यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है जल्दी से बताओ एक कहानी नहीं। एक एक बार जल्दी से का कर देंगे कि माम हमें ये concept हो, हो रही हैं दिमाग वाली और अपने भाई बंधुओं तक भी पहुंचा देना जो अभी भी इंतजार में है कि मुझे कोई और घड़ी कोई और मुहूर्त निकलेगा जिसमें मैं पढ़ना शुरू करूंगा समय यही है घड़ी यही है सिर्फ पढ़ लो नोट्स बना लो ठीक क्लियर चलिए तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में दो प्रकार की जो नसें हैं वो काम करेंगी यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो देखिए सोमैटिक में एक नस आती है सेंसरी नस सेंसरी नस को हम नाम देते हैं एफरेंट ठीक है या फिर इसे आप यहां पर कह सकते हैं संवेदी तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं तो भैया ये वाला जो भाग होता है ना इसका काम होता है कि ये ऑर्गन से ब्रेन तक सूचना को लेकर के जाती है अंग से आपके मस्तिष्क तक सूचना को ले जाने का कार्य करती है ये एक पहली प्रकार की नस है ठीक है दूसरी प्रकार की जो नस आती है उसे हम नाम देते हैं मोटर नसें मोटर कह लू या फिर मैं उसको ई फेरेंट कह सकती हूं या उसको मैं यहां पर हिंदी में मोटर नसे या तंत्रिकाएं कह सकते हैं ठीक है इसका काम क्या होता है कि ये बिल्कुल उल्टा काम करेगी जैसे ये ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाती है यहां से सूचना हमारे सीएनएस से कहा आती है ऑर्गन तक आती है यानी कि मस्तिष्क से आपके किसी भी अंग तक वापस आती है तो ये दो प्रकार की नसें हमारे दैहिक तंत्रिका तंत्र में काम करती है कहानी समझे कि नहीं समझे सिंपल है मैम ये पहला भाग है जो हमारी नसों का है। इसी के बॉडी साथ -साथ, तो के, के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा था हमारे अंग इंडल्ज थे मैं कहूँ बॉडी भी ऑटोमेटिक काम करती है ऑटोमेटिक काम यानी कि भाई अपने आप चालू होगा ना तुम संभाल सकते ना ही तुम उसे रोक सकते ना तुम उसे स्टार्ट कर सकते ठीक है ऐसा सिस्टम कहलाता है इसका दूसरा भाग यानी कि जो हमने पीएनएस पढ़ा है इसका दूसरा भाग जो कहा जाता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं स्वायंत्र तंत्र का तंत्र यह आपका दो भागों में बटा होता है पहला कहलाता है सिंपैथेटिक और दूसरा कहलाता है पैरा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक व पैरा इसका हिंदी में अगर बात किया जाए तो कहा जाता है अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का तंत्र सिंपैथेटिक को हिंदी में कहते हैं अनुकंपी और इसे कहा जाता है परानुकंपी ठीक है ये दो प्रकार के भाग होते हैं जो किस में आते हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं इससे पीछे जो मैंने अभी बात करी थी भाई वो था आपका सोमैटिक वाला भाग ठीक है ये था सोमैटिक का भाग जिसमें आपने दो देखे कि दो प्रकार की नसें मिलकर के बॉडी के साथ काम कर रही है अब देखो इस वाले सिस्टम में क्या होता है जिसको मैंने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा यहां पर ना स्क्रीन पर जरा इन दो हालातों को देखो और दो परिस्थितियों को देख करके जल्दी से एक बार समझो हाँ भाई एक बार जल्दी से इस परिस्थिति को समझो कि मैम यहाँ पर ना एक व्यक्ति भाग रहा है और दूसरा आराम से चैन की नींद सो रहा है आप में से कितने लोग जाते हैं 2024 में सिलेक्शन हो जाए और मुझे भी ऐसी आराम की नींद मिल जाए कि मैम अभी अगर मेरे जीवन में स्ट्रगल है ना तो आने वाले अगले एक से दो साल के अंदर मैं अपनी इतनी मेहनत करूं कि 2025 के अंत तक आते आते वो दिवाली मेरी सरकारी नौकरी वाली हो और उस प्रकार से मेरे भी जीवन में ऐसी खुशहाली आए कि मैं घर से अपने नौकरी पे जाऊँ और वापस आऊं और आकर के चैन की नींद सो जाऊँ भाई चाहते हो ना तो देखो इस वाले भाग को समझना ये भाग हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक मतलब मैम इसमें हमें कुछ नहीं करना होता करना क्या होता है अब मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है ठीक है एक राम है एक श्याम है या मैं कहूँ यहाँ पर एक श्याम है और एक आपकी यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है पूजा ठीक है एक श्याम है और दूसरी है पूजा ठीक मैम ये दोनों ना तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं इन्होंने कहा कि भाई देखो घर पे हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है हमें रेलवे में लगना है हमें कलेक्टर बनना है हमें एसएससी में लगना है या कोई भी सरकारी एग्जाम निकालना है तो इनके घर पे तैयारी नहीं हो पा रही थी दोनों उठ करके बाहर चले गए पापा ने कहा कि ठीक है भाई शहर से बाहर जाना चाहते हो दिल्ली है प्रयागराज है पटना है तुम जहां भी जाना चाहते हो जाओ लेकिन पढ़ाई कर लो ठीक है दो भाइयों की कहानी है या दो एक भाई एक बहन की कहानी है अब होता क्या है कि मैम दोनों बाहर जाते हैं तो शुरुआत में लगाते हैं अपनी कोचिंग बढ़िया से अब बाहर गए हैं तो भाई बाहर की हवा भी लगेगी कोचिंग लगाई लाइब्रेरी लगाई दोनों में से कहते हैं लड़कियां थोड़ी ज्यादा सिंसियर होती हैं तो ये जो पूजा थी कि डेली कोचिंग जाती थी जाकर के अपनी पढ़ाई करती थी घर आती थी लाइब्रेरी चली जाती थी अपना पूरा रिवीजन करती थी मॉक टेस्ट देती थी हर प्रकार से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करती थी ठीक है तो पूजा ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी पूजा ने अपने भाई को समझाया कि देख भाई श्याम अगर तुझे भी सरकारी नौकरी लगानी है तो मेरे साथ रेगुलरली तैयारी करने कोचिंग चलाकर ठीक है भाई श्याम कुछ दिन तो गया लेकिन बाद में उसके दोस्त बन गए दोस्त बन गए तो वो दोस्तों के साथ भ्रमण पे निकल गया कि चलो भैया शहर घूम लेता हूँ थोड़ा सा दोस्त तैयारी निभा लेता हूँ और वो दोस्ती यारी के चक्कर में उसने पढ़ाई करना कम कर दिया आ गया एग्जाम का दिन जैसे एग्जाम का दिन आया दोनों को घबराहट थी इसको घबराहट थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना उसको घबराहट थी कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि मैंने पढ़ाई ही नहीं करी है ठीक है मैडम अब ये जो शाम और पूजा थे दोनों पेपर देने चले गए पेपर भी दे आए देकर आते हैं तो कुछ समय बाद इनका रिजल्ट आता है अब रिजल्ट आता है तो उस दिन पिताजी भी आ जाते हैं कि भाई आज तो रिजल्ट आने वाला है तो चलिए पिताजी भी सामने थे अचानक से जब रिजल्ट आया तो पता चला कि फाइनल सिलेक्शन में इस पूजा का तो सिलेक्शन हो गया लेकिन श्याम का सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ था तो जब पिताजी सामने आए ना तो श्याम की हालत कैसी थी मैडम ऐसी थी कि ये जो भाग रहे हैं ना इस प्रकार दुम के ऐसे ही भागता हुआ दिखाई दिया था इसको क्या पता कि भाई उस समय पर इसकी बॉडी में घबराहट थी जैसे इसने पापा को देखा ना इसका बीपी भर चुका था इसकी दिल की धड़कने बढ़ गई थी इसको पसीना आ रहा था इसके हाथ कांप रहे थे इसको घबराहट हो रही थी इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी ठीक है तो जब यह सारी परिस्थिति हुई क्या यह शाम ने चाह करके किया कि नहीं, नहीं मैं अपनी बॉडी में सारे इंपल्स जनरेट करूंगा अपने आप हुआ ना कि पापा को देखा और रिजल्ट को देखा दोनों चीज़ों को देखने के बाद अपने आप इसकी बॉडी ने क्या कहा बीपी बढ़ा दिया इसकी बॉडी में पसीना आना शुरू हो गया इसकी धड़कने बढ़ गई हाथ कांपने लग गए होता है कि नहीं होता ऐसा तो ये काम होता है आपका जिसे हम नाम देते हैं भैया ये श्याम भाई साहब जो हैं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस समय इनके ब्रेन से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा था और सारी चीजों को इसने बिगाड़ दिया था लेकिन पूजा का सिलेक्शन हो गया था तो पूजा ने बढ़िया तरीके से क्या किया कि भैया इसकी पैरासिंपैथेटिक रिस्पांस जो है वो जागरूक हुआ इसको रिजल्ट देखकर खुशी हुई ना इसको घबराहट हुई ना टेंशन हुई वहां पर बॉडी में परानुकंपी तंत्र, तंत्र का तंत्र काम कर गया था ठीक है तो ये दो प्रकार के तंत्र का तंत्र होते हैं सेम हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स भी बनाते हैं अगर तुम पढ़ाई करोगे सिलेक्शन ले लोगे तो भैया काम जो करेगा वो पैरा करेगा नहीं लिया नहीं पढ़ाई करी तो ऐसे सिंपैथेटिक और ऐसे जीवन में स्ट्रेस ना कभी पीछा नहीं छोड़ेगा तो तनाव वाला हिस्सा होता है जिसे हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया ठीक है रीजन जो था देखो रीजन कुछ भी हो सकता है मान लो आधी रात में तुम पढ़ रहे हो उठ करके तुम बाहर जाते हो अचानक से कुछ आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं तुम भागते हुए बनोगे कि नहीं तुम्हारा बीपी बढ़ेगा कि नहीं वो घबराहट अचानक से होगी तुम चाह करके नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें इसी रिस्पॉन्स को कहते हैं ब्रेन का सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स इसी के साथ यहां पर फ्लाइट आप कहीं पहली बार एरोप्लेन में बैठे हो सेम कहानी होती है फ्लाइट भर में बैठे हो या आपकी मान लो किसी से लड़ाई हो गई जब लड़ाई होती है तो अपने आप ये सारे रिस्पॉन्स बनते हैं ना हाथ कांपता है गुस्सा आता है बीपी बढ़ जाता है टेंशन होती है दिल धड़कता है बहुत तेजी से ये सारी चीजें या फिर आपको डर लग रहा है तो इसी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फ्लाइट फाइट और फियर रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी के अंदर इस सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र के जैसे बनता है ठीक है जल्दी से बताओ कहानी समझे कि नहीं फटाफट से मुझे बताओ स्ट्रेस रिलेटेड है और ये देखो पी मतलब पैरासिम्पैथेटिक यानी कि जीवन कैसा हो गया इस लड़की का पीसफुल हो गया भाई अब शांति से रेस्ट और डाइजेस्ट करेगी नौकरी पे जाएगी खाना खाएगी बढ़िया सो जाएगी जीवन में कोई तनाव नहीं है इस बेचारे के जीवन में तनाव बढ़ चुका है ठीक है तो इसी चीजों को हम कहते हैं हमारी बॉडी में बनने वाला एक सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र अनुकंपी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है यह उड़ान लड़ाई या डर के दौरान बनता है इसमें लार नहीं बनती भाई टेंशन में ऐसा होता है ना लोगों को खाना नहीं खाया जाता आप में से भी कोई ऐसा है जिसको टेंशन में ज्यादा भूख लगती है वरना स्वाभाविक है कि अगर कोई जीवन में तनाव है तो आपको भूख लगनी कम हो जाती है बॉडी में लार कम बनती है बॉडी में पाचक रस कम बनते हैं ठीक है क्रमाकुंचन कम होता है खाना कहते ना निगल नहीं पा रहा हूं मैं टेंशन इतनी है जीवन तो ये सारे क्रियाएं हमारा ब्रेन का अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्र संभालता है पाचक रस बनेंगे, रीढ़ की हड्डी से जो नसें हैं हैं। ना वो आपकी इसको कंट्रोल पर करती है। ठीक है, है। भाई मेरी मर्जी से तो हो ही नहीं रहा ना मैम सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ पर करेगा, हम सोच करके कुछ भी नहीं यहाँ पे कर सकते बोलिए कहानी समझ में आई कि नहीं आई लेकिन हमारे साथ तो यहाँ जो बैठे हैं ना उनको काम किस चीज का है उन्हें ध्यान है कि पूजा तुम कहाँ से हो बात वही है देख लो ये पूजा तो सिलेक्शन लेके निकल जाएगी तुम कमेंट सेक्शन में पूछते रह जाना पूजा कहाँ से हो पूजा तो गई तुम अपना देखो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ अटक गया फिर परेशान होते हो कि मैम मैंने तो इतनी तैयारी करी थी मेरा तो हुआ ही नहीं क्यों नहीं हुआ तुम तो पूजा का नाम पूछ रहे थे पूजा कहाँ से पूजा तो गई बेटा सिलेक्शन लेके पूजा के जीवन में तो पीस आ गया और पीस आ गया मतलब ये वाला पैरासिंपेथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो काम किया था मतलब परानुकंपी तंत्र का तंत्र पीस है परानुकंपी याद रखना ठीक है तो इसे कहा जाता है ये आपकी बॉडी में तब बनता है ड्यूरिंग रेस्ट एंड डाइजेस्ट आप आराम पाचन जारी करने के लिए यहां पर बनता है साथ में जब ऐसा रिस्पांस होगा तो लार भी बनेगी अधिक क्रमाकुंचन होगा अधिक पाचन रस, रस बनेंगे और किसी प्रकार का कोई बीपी नहीं बढ़ेगा कोई हार्ट बीट आपका नहीं बढ़ता है कोई दिल की धड़कने नहीं बनती है मतलब नॉर्मल रहती है सिचुएशन तो ये दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र हमारे काम करते हैं क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी से बताओ तो इसे कहते हैं ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम का ही एक भाग ठीक है तो हमने दो भाग पढ़े तंत्र, तंत्र के एक सोमैटिक और दूसरा था आपका जिसे हमने ऑटोनोमिक का नाम दिया यानी कि देहिक और आपका एक भाग कहलाएगा ये देखो भाई एक सोमैटिक था और दूसरा नाम देंगे ऑटोनोमिक जो स्वायंत्र यानी कि अनैच्छिक रूप से कार्य कर रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हम सब का साइन फटाफट से भेज दो भाई मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में नर्वस सिस्टम समझ में आया कि नहीं और अगर आ गया तो एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी जिसे कहते हैं गट फीलिंग कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि मैम अंदर से ना एक आवाज़ आ रही है भाई आपने मूवीज देखी हैं टीवी में सीरियल वगैरह देखे हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं कि आप ही का एक हमशक्ल है और आप दोनों आपस में लड़ते हो लड़ते कैसे हो वो कहता है कि दिल की सुनो एक कहता है दिमाग की सुनो कई ऐसी जंग आपके साथ भी हुई होगी जिसमें आप और आपका दिमाग और दिल दोनों लड़ रहे हैं आपस में भाई हुआ है कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ मैम बैकबोन में स्पाइनल होती है क्या हाँ बिल्कुल भाई रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक नस पतली सी जाती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ठीक है गट वाली जिसे कहते हैं ना गट फीलिंग आ रही है या आप कहते हो कि मैम अंदर से एक आवाज आ रही है कि भाई ये काम नहीं करो ये सही नहीं होगा तो वो भी एक प्रकार का तंत्र का तंत्र है अब एक बात बताओ मुझे दिल तो बेचारा ब्लड को पंप कर रहा है तो दिल का तो कोई काम है ही नहीं इस पे दिल का तो कोई काम है ही नहीं इसमें अगर कुछ काम है तो मैम दिमाग का है तो फिर ये अंदर से आवाज कहाँ से आती है अंदर से आवाज आने का मतलब होता है आपके गट की आवाज जिसे गट फीलिंग कहते हैं एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा गट यानी होता है ना वहां पर एक अलग प्रकार का दिमाग बैठा होता है वहां से एक, अलग आती, एक अलग फैसला आता है क्योंकि हमेशा ये दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते दोनों का सिस्टम अलग अलग चलता है इसे कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी कि आपका हम आंतों में बैठा हुआ कह सकते हैं कि भैया आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहाँ होता है ये हमारे आंतों के अंदर गट के अंदर पाया जाता है हमारे बॉडी में जितना भी पाचन हो रहा है जो गेस्ट्रो इंटेस्टनल एक्टिविटीज कही जाती है ना ये जठर आ, जठर आंत्र संबंधी मार्ग की गतिविधियां जितने भी हैं खाना आ रहा है पच रहा है पचा रहा है सब कुछ ये संभालता है तो इसी को कहा जाता है दूसरा दिमाग या फिर ब्रेन क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अलग हटके इसके फैसले होते हैं यहां पे जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से तो इसी को कहा जाता है आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम हमने दो भागों में पढ़ा एक कहलाता है आपका ऑटोनॉमिक दूसरा होता है सोमैटिक तीसरा हमने एंट्रिक बात किया ठीक है तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के बॉडी में तंत्रिका तंत्र काम करता है ब्रेन काम करता है यहां तक की चीजें तो आप समझ गए लेकिन मुझे बताइए ब्रेन की सबसे छोटी इकाई वापस से क्या होती है आप कहेंगे मैम न्यूरॉन होती है नर्व सेल होती है नर्व सेल दिखाई कैसे देता है कुछ क्वेश्चन लगाएंगे एक बार फटाफट से ठीक है कुछ सवालों को लगाएंगे एक बार और फिर देखते हैं भाई आगे एक छोटा सा टॉपिक और हम यहाँ पर कवर करेंगे चलो पहला क्वेश्चन बताओ कि मस्तिष्क में कौन सी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं और खोपड़ी के रूप से मतलब बाहर क्रेनियल से उभरती हुई नजर आती है जल्दी से बताइए ये क्लास आपकी इक्कीस दिन इक्कीस पैराथन का टारगेट यही था कि आपका एक टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाए एनसीईआरटी पर आधारित हो आपके सारे कॉन्सेप्ट एक क्लास में खत्म हो जाए और आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हो तो हर पेपर में आपको फायदा करे ठीक है चाहे आप ग्रुप डी देने वाले हो एन देने वाले हो या आप अपना एएलपी या आरपीएफ का पेपर जो है उसे करने वाले हो तो भाई देखो मेरा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है आप लोग अगर साथ हो तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना पीडीएफ आपको मैं रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर अपलोड करा दूंगी जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी बाकी साइंस की पूरी जिम्मेदारी जैसा मैंने कहा ना आपसे कि साइंस के लिए तुमसे वादा किया है भाई पूरी तरह से तैयारी यहीं से होगी आपके हर एक सवाल के लिए 25 से 25 नंबर के लिए हम यहाँ पूरी मेहनत आप लोगों के साथ करने वाले हैं तो आप सभी भी लगातार सेम टाइम सुबह 11 बजे अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो ठीक है ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं यानी कि स्पाइनल नसें देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा राइट क्लास का टाइम नहीं पता लगता सुबह ग्यारह बजे देखो अपनी डायरी में लिख लो अपने स्टिकी नोट्स बना लो टाइम नहीं बदलेगा सुबह ग्यारह मतलब सुबह ग्यारह बजे ही क्लास होगी कोई और अन्य टाइम है ही नहीं ठीक है तो सेम टाइम पर डेली तुम आ जाया करो रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर और अगर और नहीं समझ में आता तो मैम चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा समय से ठीक है अगला सवाल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बहुत बढ़िया लगा है इस क्वेश्चन में ना तुम थर्टी परसेंट गलत करने वाले हो वा आंसर मैंने तीस परसेंट का है हो सकता है पचास परसेंट गलत कर दे बताइए भाई हाँ बिल्कुल केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों क्लासेस जो हैं वो आप लोग की चल रही हैं 11 बजे मतलब सुबह 11 बजे की क्लास जो है वो आपको बायोलॉजी की मिल जाएगी तो सुबह टाइमिंग जो है वो सेट कर लेना अब देखिए ऑप्शन 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 लगा रहे हैं नंबर डी डी लेकिन मैं कहूं कि जितनों ने भी लगाया है सबका आंसर गलत है क्योंकि तुम तो तुम तो भावनाओं में बह जाते हो तुरंत से आंसर जो है देख करके डी और तुरंत बह जाओगे डी तो बेटा है ही नहीं वो कह रहा है सिंपैथरिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी तंत्र का तंत्र किसको प्रेरित करता है मतलब किसको बढ़ावा देता है याद करो कि ये नर्वस सिस्टम कब काम कर रहा था जब आप तनाव में थे और तनाव के समय लार बनती है क्या नहीं पाचक रस बनते हैं क्या नहीं हार्ट रेट जरूर बढ़ जाती है हृदय या दिल की धड़कन जरूर बढ़ जाती है तो आंसर क्या होगा मैम ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को कि मैम ऐसे ही सवाल आते हैं इसी प्रकार से जब क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आपको गलतियां नहीं करनी है आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि मैम ने बताया था बोलो याद हुआ कि नहीं छोटी छोटी सी बातें अगर सही से समझोगे तो भाई कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है अगला सवाल है उस सिस्टम का नाम बताइए जो आपकी हर एक गतिविधि को नियंत्रित करता है जल्दी जल्दी से बताओ और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैम साइंस के साथ साथ हमारी रीजनिंग और मैथ्स भी कवर हो जाए जो हमारे आर में पैंतीस नंबर की रीजनिंग आ रही है पैंतीस नंबर की आपकी मैथ्स आएगी वो भी आप चाहते हैं कवर हो जाए अगर चाहते हैं तो भाई एक निवारण आप लोगों के लिए भी मेरे पास यहाँ पर है बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो नर्वस सिस्टम का ठीक है अच्छा देखो जो चाहते हैं ना कि पहली चीज आप लोगों की ना गणित की आरपीएफ वॉरियर आ चुकी है मैथ्स के लिए यह किताब जो है ये बहुत ही शानदार किताब आप लोगों के लिए बनाई गई है स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए जिसमें आपके विगत वर्ष के कम से कम तेरह सौ से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ जो सोल्यूशन हैं वो रहेंगे अलग से दस टेस्ट आप लोगों के लिए उपस्थित हैं सारे क्वेश्चन बाइलिंग हैं और आपके लिए भैया देखो एक बात बिल्कुल वादे के साथ कही है, कही गई है कि आरपीएफ एस आई हो चाहे कॉन्स्टेबल हो इसमें गणित में शत प्रतिशत स्कोर की गारंटी यहाँ पर ली गई है अगर आप इस किताब से अपनी तैयारी करते हो आरपीएफ वॉरियर जो मैथ्स के आपके हर एक प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी डील कर रही है जीरो

लगा करके तुम ये अंदाजा लगा लोगे कि मैम मेरे कितने नंबर जो हैं वो यहां पर बैठ रहे हैं

बैच का कंप्लीट प्राइस जो है वैसे नौ का है बट अभी आप लोगों के लिए छे में मिल रहा है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है फिर मत कहना कि मैम समय निकल गया मुझे पता नहीं चला आपकी एक साल की वैलिडिटी इसमें रहेगी और एक साल में छे सौ निन्यानवे का ये कोर्स अभी आप लोग को मिल रहा है जिसमें आपके अभिमन्यु सर रीजनिंग करा रहे हैं धर्मेंद्र टागर सर आपको मैथ्स करा रहे हैं और साथ में कंप्लीट जीएस की टीम में आपके शान सर भी हैं ठीक है आपके अः यहाँ पर अमित सर भी रहेंगे मैं और पुष्पेंद्र सर दोनों हम सभी मिलकर के आपको जीरो से हीरो वाली कहानी जो है एल में भी और आर में भी मदद करने वाला है तो जल्दी से आज ही डाउनलोड कर लीजिए आरजी विक्रमजीत ऐप ताकि आप लोगों के पास सारे सोल्यूशन जो है वो इन सभी आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो देखिए लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही है कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा प्रैक्टिस शीट पीडीएफ सब कुछ यहां पर आपकी रेगुलर रहेगी एप्लीकेशन पर ठीक है तो कौन कौन है जो ईमानदारी से चाहते हैं भाई देखो ये मौके बार बार नहीं आते छे साल बाद अब तुम्हें सरकारी नौकरी रेलवे में देखने को मिल रही है और मिल रही है तो फिर मैम फिर काहे अपना घाटा करना है तो ये सारी चीजें जरूर से फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है बाकी ये क्लास तो डेली चलनी ही है रोज सुबह के टाइम ग्यारह बजे ठीक है जी इसका लिंक जो है ना बुक का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो चलो एक छोटा सा टॉपिक और है उसे कवर करते हैं जिसका नाम है न्यूरॉन न्यूरॉन को अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है जिसको मैंने कहा कि आपके ब्रेन की सबसे छोटी इकाई के रूप में नजर आता है देखिए कुछ इस प्रकार का ये जाल बना करके रहता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क एक कंप्लीट न्यूरॉन का छोटे छोटे से न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं ठीक है जिन्हें हम तंत्री कोशिका कह रहे हैं भाई सेशन को ना पहुंचा देना एक बार जल्दी से संस्कृत को छोड़ करके हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये जितनी क्लासेस चल रही हैं उनको पढ़ लो ज़रा शांति से आ, राज ये बुक जो है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे डायरेक्ट अमेजोन पे आपकी लिंक जो है वो आपको ले जाएगी आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो बाकी किसी आसपास के अपने लोकल बुक स्टोर से चाहते हैं तो आप यहाँ पर वहाँ से भी ले सकते हैं ठीक है तो मैम ये कहलाता है हमारा ब्रेन का सबसे छोटा भाग जिसको हम न्यूरॉन का नाम देते हैं तंत्री कोशिका का नाम देते हैं दरअसल यही तंत्री कोशिका को हम कहते हैं आपकी पूरी बॉडी में क्वेश्चन आ जाएगा ना लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है भाई सेल कौन सी होती है तो आप बताएंगे कि ये आपका न्यूरॉन कहा जाता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछे तो वो तंत्री कोशिका होती है क्योंकि मैम यही तो वो भाग है जो सूचनाओं को ले रहा है प्रोसेस कर रहा है और आगे तक पहुंचा रहा है तो इसी को नाम दिया जाता है न्यूरोन का ठीक है और यही न्यूरॉन हमारी बॉडी में कुछ तीन भागों में बटा हुआ होता है तीन भाग कैसे होते हैं कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें सबसे पहला भाग सूचनाओं को लेने वाला होता है इधर ध्यान दो ये जो पहला भाग है ना ये वाले जो तंतु निकले हुए हैं इन्हें कहते हैं डेंड्रॉन का भाग ये वाला भाग डेंड्रॉन का होता है ठीक है ये जो शाखाएं निकल रही हैं इन्हें हम डेंड्रॉन का भाग कहते हैं इसके साथ ये जो बीच में आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये सेल की बॉडी है ये कोशिका का पूरा शरीर है और यहां से सूचना आई मान लीजिए इस तरफ से सूचना आती है सेल की बॉडी में जाएगी और यहां से होते हुए एक अगले न्यूरॉन में चली जाती है आगे इस हिस्से को अक्षतंतु या एग्जोन का नाम दिया जाता है तो याद रखना ये तीन भाग मुख्य होते हैं यहां पर एक्सॉन साइटोन और डेंड्रॉन ये तीनों मिलकर के आपके आगे की तरफ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना ले जाने का काम करते हैं एक्सॉन के ऊपर यहां ये जो देख रहे हो ना इन्हें कहते हैं आपकी माइलिन की म्यान क्या लगी होती है इसके ऊपर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके ऊपर ये माइलिन की म्यान यहाँ पर लगी हुई होती है माइलिन की शीत या माइलिन की म्यान इन कोशिकाओं को नाम देते हैं श्वान की कोशिका श्वान सेल श्वान की कोशिका तो याद रखना कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एक्जोन वाला भाग जो है वो यहां पर नजर आता है ठीक है मतलब आपके जितने भी भाग हैं कि साइटोन वाले भाग में क्या चीजें हैं ये सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे जिसे आप देख सकते हो लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक न्यूरॉन मुझे ऐसा दिखता है जिसके अंदर मेनली कौन सा भाग है बाहर की तरफ आपका डेंड्राइट्स वाले भाग है बीच में सेल की बॉडी है कोशिका का शरीर है और आगे की तरफ ये वाला भाग जो है ये एग्जॉन टर्मिनल्स का कहा जाता है ये देखिए एग्जोन के ऊपर ये सेल बने हुए हैं इन्हीं सेल को नाम देते हैं आपकी श्वान की कोशिका हर सेल के बीच में जगह है कुछ स्पेस है इसको मैंने कहा नोड भाई स्पेस को क्या कहते हैं नोड कहते हैं ब्रेन हेमरेज है, कैसे होता है ना इसको बीमारियों में अलग से पढ़ेंगे अभी बहुत सारी बीमारियां भी पढ़नी है तो पहले इसको समझ लो जो काम की चीजें हैं तुम्हारे ठीक है जो अभी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं मतलब आधो को चिंता इधर उधर की बातों की है मैम काम की चिंता है ही नहीं कि जो हमारे पेपर में सवाल आएंगे जरा मैं उन्हें भी पे कर लो तो इसको ध्यान दे लो जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें क्लियर हुई हैं दिल से तो सेशन को लाइक कर देना और पहुंचा देना अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक कि देखो भैया आपकी बायोलॉजी वाली क्लास तो चल रही है टॉपिक खत्म होने तक चलेगी आप में से जितने लिखना चाहते हैं वो बढ़िया तरीके से अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हो राइट right? ऑप्शन में यहां पर श्वान की कोशिका दिख रही है आपको इनके बीच की जगह को मैंने कहा नोड ऑफ रेनवियर रेनवियर का नोड के नाम से ये जाने जाते हैं और इनके ऊपर जो ये म्यान लगी है ना जो लेयर जो इन्हें बचा करके रखती है उसको कहते हैं माइलिन की शीथ या माइलिन की म्यान सूचना आई इसमें प्रोसेस हुई आगे की तरफ आपकी निकल जाएगी तो याद रखिएगा इसी को कहा जाता है आपका एक छोटा सा न्यूरोन ठीक है एक छोटा सा तंत्री कोशिका चलिए तो इस प्रकार से चीजें आप लोगों की यहां पर हो जाएंगी यहां तक कोई समस्या किसी के मन में भाई एक बार जल्दी से बताओ चलिए तो कुछ इस प्रकार से चीजें रहती हैं आपके ब्रेन के अंदर और इसी ब्रेन में न्यूरॉन जो है वो आप लोगों का पाया जाता है अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए एक बार कि मैम अगर एक न्यूरॉन यहाँ पर है इसके आगे मैं एक और न्यूरॉन लगा दूं तो यहाँ एक जंक्शन बन जाएगा ना इस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स और सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल यही है कि भैया एक और अगले मतलब दो न्यूरॉन के बीच में कौन सा भाग है जो कि पाया जाता है ठीक है दो न्यूरॉन्स के बीच में कौन सा भाग पाया जाता है तो याद रखना इसको हम साइनेप्स का भाग यहाँ पर कहते हैं कौन सा साइनेप्स का भाग यहाँ पर कहा जाता है तो चलिए कुछ एक प्रकार से जल्दी से मुझे यहाँ पर एक सवाल बता दो फटाफट से कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं पीडीएफ मिल जाएगा रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर उसको ज्वाइन कर लेना वहां पर आपकी पीडीएफ जो है वो उपस्थित आपको करा दी जाएगी लगाओ भाई जल्दी से एक बार आंसर लगाओ यहाँ पे क्या होगा करेक्ट इसका बहुत बढ़िया तीनों ही चीजें होती हैं यानी कि मैम हमारे पास ब्रेन भी है स्पाइनल कॉर्ड भी है नसें भी हैं ये सारा कुछ मिलकर के किसके अंदर आता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग आज होमवर्क में बताने वाले हो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी में सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं है इन हाइन ब्रेन इन फोर ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड या मेड्यूला इन मिड ब्रेन तो ये सवाल आज आपका क्या है होमवर्क क्वेश्चन है आशा करूंगी आप सभी को ये पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर हुआ हो समझ आया हो ये था आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट आपका ह्यूमन का ब्रेन वाला भाग तो इसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कवर कर सकते हैं और इसकी पी मैं आप लोगों के रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे रखा है आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो बाकी सभी चीजें आप लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है भाई देखो आरपीएफ वॉरियर आप लोग की आ गई है इससे आप अपनी तैयारी को यहाँ पर बढ़िया से कर सकते हो रेलवे का साइंस स्पेशल बैच केवल चल रहा है जिसमें सिर्फ अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों का ये दो साल की वैलिडिटी के साथ रहने वाला है ये बैच सिर्फ साइंस के लिए है रेलवे कंप्लीट साइंस आपको यहाँ पर कराई जा रही है और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हमारे को तो पूरा का पूरा करना है तो भाई मेरी सजेशन भी आपको यही रहेगी कि कंप्लीट में आप का ये जो बैच है ये मिल रहा है अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है फिर बाद में नौ सौ निन्यानवे का रहेगा एल पी के लिए भी और आरपीएफ के लिए भी आरजी विक्रमजीत ऐप पर है डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोग भी अपनी क्लासेस को यहाँ पर इस कंप्लीट एप्लीकेशन पर देख पाओ ठीक है तो जल्दी जल्दी से आप लोग ये सारे काम करिए बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम सुबह के ग्यारह बजे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड होम होमवर्क में जरूर बताएं आपके ऑफलाइन कमेंट करके कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल राइट चलिए वेरी गुड डे थैंक यू सो मच